हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। जिस तरह के नाम से आपको मौजूद मालूम है कि हमारा जो शो है इसमें हम बात करते हैं बड़े लाइटर नोट के ऊपर, और वो साइड हमारे गेस्ट की हम सामने लाने की कोशिश करते हैं जो शायद पहले आपने ना देखी हो। मेरे पास आज दो बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती वाली बात आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे वो बातें पूछूंगा, वो जसारत करूंगा, वो सवाल करने की जो शायद किसी और शो पे आपने पहले ना देखी हो। मेरे पास सबसे पहले इंटरनेशनली एक्लेम एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क, और इन्होंने इंडिया के अंदर दो बड़ी मशहूर मूवीज़ की हुई हैं। आप इनको जानते होंगे, जैसे हम आपको इनको दिखाएंगे आप इनको रिकोगनाइज़ कर देंगे। हाउसफुल 3 के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास मरिया नवाज सफदर मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वी हैव नुमान, ही इज़ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ रिची मिलियन, और इन्होंने ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही स्टार्टेड अप हिज ब्रांड, जहाँ पर मुझे याद है आई रिमेंबर फ्रॉम हिज टाइम ऑफ इंसेप्शन कि जब बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मेन फैशन के अंदर काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके अंदर मार्जिन जो है बहुत लिमिटेड हैं, बाकी तमाम तर चीज़ें कैसी मुश्किलात इन्होंने देखी, और आज ब्रांड कहाँ पर है डाउन द स्ट्रीट, 5 साल के बाद ही अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं, ये नुमान से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच नुमान फॉर कमिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। टेक बहुत सी टेक ली मैंने, मरिया का नाम सही प्रोनाउंस नहीं मिला। आई होप आई गॉट इट राइट दिस टाइम। आई होप यू डिड टू। मुझे अब याद हो गया मरिया, मुझे टैटू नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर गलत बोला तो फिर करानी पड़ेगी, तो फिर वैसे ही करवा लेते हैं टैटू। हाँ, वैसे करा लेते हैं। शो के बाद देख रहे हैं आप, मैं कुछ नहीं किया, कह रही है मरिया किसी ने किया है ना ऑलरेडी, इसलिए कहाँ भाई यहाँ पर टैटू करवाऊँ के इधर छुपा इधर पहली बार है, मैंने कसम खाई तौबा की थी कि मैं जो है ना फ्लर्ट नहीं करूंगा, बलवार आप गवाह रहिएगा। मरिया ने जो है ना स्टार्ट किया। अच्छा मरिया, आप इसी से शुरू करते हैं कि आपके नाम का ये कोई अरेबिक नेम है? आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ टर्किश साइड, या It means joyful and happy. Joyful and happy. हाँ, जो कि आप हैं। हाँ, जो मैं हूँ। कहते हैं ना नाम का बहुत असर होता है। असर होता है। बिल्कुल वही है। आपके नाम का आप पे असर है। बहुत ज़्यादा। So, नुमान का क्या मतलब है? नुमान is a very common name, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है collection of नेमात, collection of blessings. वाह। Connection? Collection of blessings. Yeah, yeah. I'm one of the blessings. I think. ब्लेसिंग मेरी तो आपको नजर आ ही रही होंगी। मेरे दमकने चमकने के पीछे जो है वो नुमान का बहुत हाथ है, और मैं बड़े अच्छे से आई एम वेयरिंग इज वार्डरोब, और जब भी मैंने फोन किया है मुझे वार्डरोब मिली थी और ड्राई क्लीन भी नहीं करवा गया वापस करता। अच्छा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? अगर हम पीछे जाएं, अब नाउ एवरीवन नोज यू, इफ यू गो बैक इन योर चाइल्डहुड, आपने कोई ऐसे काम तो किए होंगे कि जिनको देख के थोड़ा होता होगा कि यार ये मैं थी? नहीं, मैं आई वॉज अ वेरी रिबेलियस किड, बिकॉज आई वॉज, मेरे माँ बाप ने मुझे ऑब्वियसली जब पहला बच्चा होता है यू वॉन्टेड टू बी सेफ, और आप उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि खराब ना हो जाए, सो कुछ हो ना जाए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट और हाउ टू डू द अपब्रिंगिंग। उनको लगता है कि इफ यू लाइक हिट अ चाइल्ड और उनको दबा के रखो या घर पे बंद रखो या उनको कुछ चीज ना दो तो They will be protected, but it's not the way. एक बच्चे को आप कहोगे, हाँ एक बच्चे को आप कहोगे ना ये नहीं करना, वो ज्यादा करेगा, वो तब भी जाके करेगा। I think वो curious हो जाते हैं, हाँ कि मैं क्यों ना करूँ। अगर आप एक बच्चे को एक ऑप्शन दोगे ना कि आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, तो वो हमेशा सही चीज चूज करेगा। हाँ, बट अगर आप उसको ये कह दो ना कि ये तुमने नहीं करना, वो बच्चा वही चीज जाके करेगा, बच्चा भी एडल्ट भी कोई भी। तो मेरे पास तो फोन भी नहीं था until I was like 15, 16. अच्छा। मेरे माँ बाप, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट कर्फ्यू होता था, मेरे माँ बाप मुझे हर जगह ड्रॉप करते थे, पिक करते थे, और मैं आई गो टू अ प्राइवेट स्कूल LGS, ठीक है, और मेरे सारे दोस्तों के पास अपनी गाड़ियाँ, अपने फोन, दे वर 14, 13, दे ऑल हैड बॉयफ्रेंड, सब कुछ, और मैं सिर्फ डोपी सी एक टॉम बॉय थी। हेल्प नहीं करनी थी, वो तो आपको खुद हिम्मत करनी है। नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था बॉयज में, मुझे कुछ नहीं था, वाज अ टॉम बॉय मायसेल्फ। अच्छा, सो आई थिंक वो तो आप इवॉल्व कर गई हैं नाउ। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ बड़ी हुई थी, एंड आई लाइक मुझे बस लाइक लड़कों वाले शौक थे कि मैं उनके साथ रेसल करती थी। बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई नहीं, मेरा बड़ा भाई इज द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है,
then it's me, yeah. then it's my sister, then Achha. It's another brother, then it's another sister. Achha, wow. Yeah, so I'm so, loud because we had to always talk over each other. मतलब वो घर में इतने बच्चे हाँ हाँ अपने आप को hurt करने के लिए like to make yourself listen. You have to be loud. क्योंकि you know इतने लोगों में you can't. तो आई थिंक मरिया ने जितनी भी बातें की हैं वो आज लोगों को उनसे प्यार होने वाला है. शी मुझे लग रहा है शी इज ऑल सेट टू गेट मैरिड क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर जितनी इन्होंने खूबसूरत बातें की हैं. वेरी फ्यू पीपल जो कि पेरेंट्स हैं भी पर उनको भी जो है ना पेरेंटिंग के ऊपर इतनी नॉलेज नहीं होगी. मरिया यार आई एम इम्प्रेस. टैटू करा लेते हैं. टैटू करा लेते हैं. सीन ऑन है. सो कमिंग टू यू क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप यू एन आर्टिस्ट और क्योंकि फैशन डिजाइनर हैं और यू कम अप विद एन आइडिया कि ये ड्रेस किस तरह का होगा इसके कट्स क्या होंगे. सो आपके अंदर भी जो एक अच्छे आर्टिस्ट वाली तमाम खसूसियात मौजूद हैं क्योंकि आपकी जो गपशप है ना वो थोड़ी सी मतलब कि यू नॉट वेरी वो जो होता है ना बातों के पीपल्स पर्सन बिकॉज आप अपना जो एक्सप्रेशन है आई थिंक आप कपड़ों से एक्सप्रेस कर देते हैं फ्रॉम योर क्लोज एंड आर्टवर्क. हाउ वाज योर चाइल्डहुड? My childhood was, I think we were four brothers and I was the youngest. Achha, so, all boys house. Haan, all boys house and they never wanted another boy. Achha. So, wo chahte the beti hue. They hated the fact ke main paida hua tha as a boy. So, wo aapke baare mein kehte honge yaar hum to numan ke bhai hain. So, lekin ye hai ki phir ultimately ye hua ki mujhe ammi ne hamesha har cheez mein lagaya like a daughter. From the kitchen to kapde khareedne jana, sofa set karna, kamre ki setting karna. So, I think that really helped me. Help you. आपकी जो है ना वो थोड़ी सी कीन होगी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. और मेरा ख्याल है कि वो आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है. मैंने आपको फैशन शोज में भी देखा है, बैक स्टेज भी देखा है. आप भाग रहे होते हैं, लोग डिजाइनर्स मतलब कि वैशी हुए हुए होते हैं और वो चीख रहे होते हैं. ही इज लाइक यार ये देख लो इसको ऐसे कर लो. मैंने इनको कॉल की अभी रिसेंटली ऐसे लिया मैंने ना वो कपड़े पहने मेरा वार्डरोब जरा नुमान जरा बता देना कि मैंने क्या पहनना है. तो आगे थी वो सो स्वीट वो कहते हैं मुस्तफा आप खुद ही इतने अच्छे कपड़े सिलेक्ट करते हो कि मैं आई जस्ट लीव दिस ऑन यू अदरवाइज डिजाइनर जो हैं दे मेक अ लुक और ये पहनना है ये नहीं पहनना. सो मैं आई थिंक मैं अभी भी नुमान के कपड़े पहन के बैठा हूँ पर आई वॉज नॉट कन्फ्यूज कि मुझे पता है जो मेरा दिल कह रहा है फेंक दो पहन दो. नुमान विल से के मुझे लग रहा एक ही एयरपोर्ट मैंने लगाया यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ. थैंक यू सो मच सो काइंड ऑफ यू. अच्छा मरिया चाइल्डहुड की तो बात होगी कि आपको दबाया गया ये तो हमें समझ आ गई कि जब भी आपको दबाएंगे रिवर्ट नहीं मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. दिस इज इन योर आई मीन मैंने देखा है कि आपकी जो है पार्ट ऑफ नेचर है कि जब आपको दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं तो यू विल कम बैक. आई एम अ रिबेलियस. यस और वो कम बैक करेंगी और यू कम बैक स्ट्रॉन्गर. गिराना तो आपको इज नो ऑप्शन कि आपको गिरा नहीं सकते. बट चाइल्डहुड की कोई फॉन्ड मेमोरीज होती है ना कि आप कहते हैं कि यार वो जो मजा उस टाइम पर. मेरा ख्याल है मैंने अभी 5 सैशे ऑफ चीनी शुगर इन्होंने अपनी कॉफी में डाली थी तो मेरा हमारे चाइल्डहुड मेमोरी ये थी जो दिल करता था खा लिया जब दिल किया. आपको पता ही नहीं होती थी ना नॉलेज ब्लेसिंग्स भी है पर वो आपको फंसा भी देती है. आपको पता होगा ये 5 सेशन चीनी का आपके अंदर जाके क्या करेंगे तो आप फंस गए. मैं तो अभी भी अपने चाइल्डहुड में हूँ. लाइक मैं मेरी माँ गुस्से होती थी क्योंकि मैं आधी रात को उठ के किचन में जाके अपने लिए 4 फ्राई अंडे और बटर टोस्ट बनाती थी और मेरी माँ कहती थी मर जाएगी अंडे खा के तो आधी रात को उठ के इतना ग्रीस एंड अंडे एंड ऑल दैट हेवी. एंड आज मेरे बाल ऐसे हैं एंड मेरी स्किन ऐसी है बिकॉज मेरे अंडे काम आ गए अभी तक. आई एम एडिक्टेड टू एग्स. आई कांट यू ट्राई इट आई विल टेल यू ये जो क्रीमें वीमें होती हैं दे डू नॉट डू एनीथिंग. व्हाट यू ईट इज व्हाट शोस. ठीक है आई थिंक वो जो अपने विटामिन ऊपर से लगाने वो खा लें ताकि बॉडी के अंदर जो जाते थे मैंने जिंदगी में कोई स्किन रूटीन हेयर रूटीन नथिंग. मुझे जो साबुन मिला मुंह धो लिया जो फेस वॉश मिला मुंह धो लिया. मेरे कोई नखरे नहीं थे. लाइक आई ग्रो अप विद माय ब्रदर सो आई वाज अ टॉमबॉय. ठीक है मैं तो मेकअप 15-16 की एज पे जाके लगाने शुरू किया था. आपने इतना खूब मेकअप किया फिर मेकअप सीख ही लिया उसके बाद मैंने नहीं मुझे आई एम वेरी आर्टिस्टिक राइट तो मुझे कोई भी काम दे दो लाइक एनीथिंग प्रैक्टिकल मैंने कभी भी नहीं किया होगा आई विल एस इट. मेरे डैड ने क्या करते थे पता है मुझे क्या महसूस होता है मेरिया कभी क्योंकि मेरी जिंदगी में आर्ट की कमी है. मुझे आई डोंट नो मुझे कभी ये फीलिंग आती है तो इसका कोई इलाज है
आर्ट की कमी है, देखो कुछ नॉट एवरीवन, जैसे कहते हैं ना कि ओ आई डोंट एग्री विद द सिस्टम वेयर यू पुट एवरी किड इन द सेम। तो मैंने मेरी बात नहीं समझी, नुमान को नुमान फॉलो करेंगे मेरी जिंदगी में। टैटू करा लो ना, आ जाएगी क्रिएटिव। आई थिंक नाम का असर होता है शायद, कराने से आ जाए ना, वो लाजमी जो है करा लो। अच्छा, हमने आपके चाइल्डहुड में यू वेरी पैम्पर्ड एंड योर मदर टुक ग्रेट केयर ऑफ यू और अपने साथ में लगा के रखा, यू वर प्रोटेक्टेड। सो आपके अंदर अब देखें दोनों के साथ वही प्रोटेक्शन हुई है, मतलब कि मरिया के पेरेंट्स वर आई मीन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, आई थिंक यू वोंट, अभी तो आप उनसे बहुत प्यार करती होंगी। सो आपके साथ भी आपकी मदर ने वो किया, बट यू हैड अ डिफरेंट इंपैक्ट। आई फील लाइक आई वाज इन दैट प्रोटेक्टेड, मुझे लगता है आफ्टर योर पेरेंट्स हैव टू किड्स ना, उसके बाद दे डोंट केयर दैट मच, आई थिंक मर भी जाए तो क्या फर्क पड़े, चार बच्चे हैं। सो व्हाट यू सेइंग, आई थिंक यू आर नॉट अ पेरेंट। No, I'll tell you what it is. ये जब आप नहीं कह सकेंगे जब you yourself will be a father ना। नहीं बट they were very chilled out. इतने strict नहीं थे। हाँ। पहले दो babies हमेशा experiment babies होते हैं। You don't know what to do with them. आप खुद you're learning. Yeah, you're learning. और आपको जब realize होता है कि वो सारे तरीके जो आपने उनके ऊपर try किए नहीं काम किए and वो उल्टा rebel हो गए। नहीं नहीं बट they actually very strict with their elders. Like I mean, but you must have had hard like really strict parenting. Really and all my other brothers and sisters मेरे बाद उनके पास phone, अपने iMac सब कुछ है। I'm like bro मेरे साथ क्या ज्यादती है। I think Maria is very right के जो second child होता है ना वो तो experiment ही होता है। हाँ हाँ। लड़का है यहाँ पे सोसाइटी का एक वो माइंड सेट है कि लड़का जो मर्जी कर ले, लड़का तो मुश्किलात जिंदगी के अंदर देखनी पड़ती है। आप लड़कियां आप एक पिक्चर डालें आपके दिनों में इंस्टाग्राम के अंदर हजारों में फॉलोअर्स होते हैं, हमें 100 फॉलोअर बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए दोनों की एक अपसाइड और डाउनसाइड है इन अ वे कि हमेशा लोग कहते हैं कि लड़के हैं आप यार ये जो मर्जी कर लें, बट अगर हम देखें ना यू आर एम्पावर्ड वुमेन, यू आर डूइंग, आप अपने घर के खर्चे खुद उठा रही हैं, पर हम ब्रेड विनर्स मतलब कि बॉयज के अंदर फिर वो भी आती ना 20 साल तक बड़ी मौज है हमारी, 20 साल तक बड़ी मौज है, पढ़ रहे हैं मौजें मार रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल जिंदगी में एंटर होते हैं ना। सो अभी मेरे और आप नुमान से पूछे ना कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि फैमिली, घर के बिल, ये सारी चीजें, आई एम नॉट सेइंग कि लॉट ऑफ वुमन आर डूइंग इट, आई एम हैप्पी कि देयर लॉट ऑफ वुमन डूइंग इट, आई डू दैट, यू आई मीन, पर आप वो अपनी जगह 100 में से 10 लोग होंगे, आई मीन 100 में से 10 होंगे, पर यहाँ पर बहुत सी कम लड़कियां जो परकिन के बैग खुद खरीद लेती हैं उसके लिए, हम जैसे लड़कों को भी मेहनत करनी पड़ती है, आई मीन विद द मनी अपना प्रेशर है, वी हैव आवर ओन प्रेशर्स एंड आई मीन आपका अपना प्रेशर है। सो लेट्स नॉट गेट इन टू दिस डिबेट, पर दोनों के अपसाइड एंड डाउन साइड है। मुझे बड़ा लेफ्ट आउट फील होता है कि मुझे, मैं कहता है कभी तो मेरे जूते में ना पाऊ में मेरा नेफ्यू पैदा हुआ, सो वो भी 4 साल का है, तो मैं उसको ये कहता, मैं कहा बच्चे कर ले जितनी मौज करनी है, जैसे ही तूने बड़े हो जाना तुझे लग पता जाना है कि तू लड़का बन के पैदा क्यों हुआ पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल हां, मैं ऑलवेज लाइक आई एम ऑलवेज सो प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गर्ल, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इजीियर फॉर गर्ल्स दैट आर नॉट फॉर गाइस। कभी आप पैसे मांग के डेट पे गई हैं? Never. मैं अपने कभी बंदे से नहीं पैसे लिए, हम लड़कों से पूछे के दोस्तों से यार जरा हेलो जरा यार मेरी ईगो हर्ट हो जाए इफ आई टेक मनी फ्रॉम अ गाय, नो नो इट्स नॉट गिविंग, बट ये तो एक जनरल मैनर है ना कि अगर हम दो बॉयज बैठे हुए हैं तो अगर हम इस कॉफी हाउस में आए हैं, नो लाइक माय गाय फ्रेंड्स नेवर लेट मी पे, ये तो 100 में से 1 लड़की है मेरे गाय फ्रेंड्स, तभी तो मैंने सोचा कि मरिया का टैटू करवाई लेना है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। माय गाय फ्रेंड्स, और मैंने तो भाई मरिया के साथ ही हैंगआउट मारने हैं बस, ब्रो वाला सीन है। नहीं, आई थिंक शी इज प्रो फेमिनिन सो शी विल आल्सो पे फॉर यू, यू नो लाइक आई विल शो यू हाउ इट इज। आई वुड डू दैट बट मैं आई लव यू यार, आई लाइक यू, मुझे पहले ही था तेरे पर, क्या बात है। But my guy friends here never let me pay. मैं जबरदस्ती भी करूँगी ना, they will take that money back and they will pay for me. But I respect them for that. But I want them to know that I can still do that. Yeah, I can do. It's not like I'm going out with you because oh, तुम मुझे कुछ खरीदो या तुम मुझे कुछ खिला दो. No, मैं तुम्हें ले जाऊँगी, मैं तुझे खिला दूँगी. But if you force it, like I don't want to be like नहीं. If you want to pay for it, go for it. Like I'm not gonna mind. अच्छा, नुमान,
जो ब्रांड है इसका नाम बड़ा यूनिक है. सो व्हाट वाज द प्री कंसीव आइडिया जब आपने ब्रांड बनाया, तो क्यों मेंस वेयर की तरफ क्यों आए? एलएससी में आपने बैचलर्स किया बिजनेस के अंदर, तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप, आई मीन कहीं अच्छी जगह नौकरी कर सकते थे, ये आपको मुश्किल डिसीजन नहीं था? नहीं, आई एक्चुअली आई लव क्लोथ मायसेल्फ, और मैं शुरू से लाइक आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ इट मायसेल्फ. ठीक है. मेरे फोन के बैकग्राउंड में गाड़ियां नहीं होती थी, कपड़े लोगों के अच्छे ब्लेजर्स और ये सारी चीजें होती थी, बट आई वाज स्ट्रेट. लेकिन ये कि उसके साथ ये था कि बट इन जनरल ये कि लोगों को नहीं समझ आई, इनको मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको खवातीन में इंटरेस्ट है. तो लेकिन ये कि उसमें ये कि आई थिंक आल्सो स्टार्टिंग विद मेंस वेयर इट्स अ लॉट बेटर फॉर मी बिकॉज आई वेयर इट मायसेल्फ, आई कुड अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड आई वाज स्टार्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल स्केल. तो आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग शर्ट्स टू माय ओन क्लासमेट्स, एंड दैट्स हाउ आई बिल्ट इट अप. कुछ जैसे मुनीब आए थे, तो मुनीब सेड कि यार मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो आई स्टार्टेड माय ब्रांड, तो मैं लोगों को 50% डिस्काउंट पर कपड़े देता था कि यार ये तो बस पहन के ना पार्टी पे जाएगा ना, ये पहन के जाएंगे. कहते मैं अपने कॉस्टो को उसको दे देता था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर रोम अराउंड करता, लोगों से पूछते थे, पीपल से कि यार ये मुनीब ने हमारे लिए स्टेज किया. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका भी कुछ इस तरह का? बट आई वाज एबल टू बिकॉज आई वाज लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स हु पेड अप फॉर एवरीथिंग, सो ये अलग है, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था. लाइक आई स्टार्टेड विद 25,000 रुपीस एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स. तो उस तरह से पहले क्या कुछ शर्ट बनाई? मैंने 25,000 की सबसे पहले शर्ट्स बनाई, और लेकिन मैंने उसमें एक यूज सिंगल नीडल मशीन, मैंने पूरा सेटअप 25,000 में लगाया था. आपने प्रोडक्शन पहले दिन से अपनी बना ली सब कुछ, और मैं खुद सब कुछ हैंडल करता था, मैं मास्टर को भी हैंडल करता था. और घर पे लगाया? ये घर पे लगाया, घर पे लगाया. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद पहली प्रोडक्शन क्या थी? पहली प्रोडक्शन शर्ट्स की थी. और वो अपने पे पहनना शुरू की? नहीं, अपने के लिए कहता पैसे ना जाया करूं, बेचने शुरू कर दी थी. मतलब कि यूनिवर्सिटी में आपने क्लास फेलोस डायरेक्टली आप बताया कि भाई ये है? बिल्कुल. तो हम जब आई थिंक आपके कब के ग्रेजुएट हैं? आई एम 2015. व्हाट्सएप नया नया आया था? बिल्कुल बिल्कुल आ गया था. व्हाट्सएप वॉज ए न्यू थिंग, इस तरह व्हाट्सएप मार्केटिंग या बोल रही थी. आपने पिक्चर पूछे दिखा के उनको, बिल्कुल वो बेचना शुरू कर दिया. पहला प्रॉफिट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉफिट? पहला प्रॉफिट मेरे ख्याल से कोई 500 रुपए का होएगा. 500 था. वी मेड 500 रुपीस. तो वो सबसे ज्यादा आई थिंक वो याद होगा कि वो 500 रुपए जो एब्सोल्युटली जिंदगी के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. आपको मुझे आई थिंक मेरे पहले जो पैसे थे ना, आई गॉट इट, मैंने अशरिंग की थी. अच्छा अच्छा. सो आई गॉट कुछ एक ये कुछ खाने पीने और कुछ 300 रुपए का कम्यूट के ना. अच्छा, खुशी जो है ना वो अब नहीं मिलती जितनी उस टाइम पे मिली. बिल्कुल. यू साइड अप योर ब्रांड की नाम कहां से आया? यार इट्स एक्चुअली कोई मतलब नहीं है. इट्स एक्चुअली एन अमलगेमेशन ऑफ अ फ्रेंच एंड इटालियन वर्ड. इट मींस समथिंग व्हिच इज अटरली नोवेल एंड ऑलवेज इवॉल्व्स ओवर टाइम. ठीक है. तो आई थिंक फैशन इज ऑल अबाउट दैट. इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन. इट्स ऑल अबाउट यू नो bringing change in. So, and also to say like the name goes well with regards to being a luxury brand. ये जो 12 और 13 का टाइम था ना, उस टाइम के अंदर ही इटालियन और स्पेनिश नामों का बड़ा ट्रेंड था. इवन क्या ये पार्टीज और गिग्स होती थी ना, उनके बड़े इटालियन किस्म के नाम, मतलब इस तरह के समझ जुबान पे चढ़ती, जितना मुश्किल नाम होता था उतना उसका इंग्लिश इम्पैक्ट होता था. आई मीन ये वो टाइम की बात है जिसने नाउ आई थिंक नाम जो है ना वो होने चाहिए कि बिल्कुल ऐसे जो जुबान पे आसानी से आई मीन चढ़ जाए. आई थिंक कपड़ों के अंदर तो ड्रामा होना चाहिए ये सारी चीजें. तो यू से लोरॉन, यू लुक एट ऑल ऑफ दीस नेम्स, इनमें थोड़ा सा एक प्रोनाउंसिएशन का होता है वो इंपैक्ट, एंड दैट एड्स वैल्यू टू द ब्रांड. मेरे पास जब पहली बार somebody reached out to me and said के आई थिंक वन पब्लिसिस्ट reached out to me, मुराद ने मुझे रीच आउट किया, उसने मुझे आपकी प्रोफाइल भेजी. सो आई सेड कि यार ये कोई फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज है ना. Exactly, that's what I saw. I never knew it was a local brand. But when I find out कि ये एक LSE के ग्रेजुएट है, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE के साथ हमारी, आई वॉज इन BNU, LSE के लोग जो है ना हमारी बड़ी दोस्ती थी. ये वो लोग थे कि जो अमीर लोग थे, और इनके घर इनके पास ना LSE में बसंत बड़ी अच्छी मनाई जाती थी. हम बड़े फैसिनेट होकर बसंत मनाए जाते थे. और हमारे पास की हमारे जो बंदियां थी वो बड़ी मशहूर थी, मॉडर्न बंदियां, और इनकी जो ना बसंतें बड़ी मशहूर थी. और इनके ना बॉयज गुंडे टाइप के थे. मैं खुद थोड़ा सा रेबेलियस टाइप का था. बॉयज से दोस्ती बढ़ गई LSE के बॉयज का. सो आई वॉज लाइक यार एक LSE के ग्रेजुएट ने हमें इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया है. आई वेंट टू हिज आउटलेट, मैं बड़ा एक्साइटेड था. तो फिर आस्ता आस्ता मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से जो है ना, आई वॉज लाइक कि वाह यार इस ब्रांड को तो जितनी भी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए अपने लोकल ब्रांड. अच्छा, नुमान देन
एंटरप्रेन्योर का सफर जो है ना, पहले तो वो बड़ा अच्छा था कि आपने शर्ट्स बनाई हैं, कमा लिए, पर जब आप एंटरप्रेन्योर बन गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद कुछ मुश्किलात अपनी बताएंगे क्या? यार आई थिंक आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिसने खराब किया ना वो मास्टर्स ने किया। मास्टर्स जो है ना वो डेडलाइंस और वो, हाँ हाँ, और वो आपको दे नो जब आप छोटे लेवल पे होते हो ना। हाँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सिक्स सिक्स मास्टर्स इन वन लाइन, लेकिन ये कि उस टाइम पे जब एक मास्टर होता है उसने ही सीन है, उसने सारा कुछ करना है, है, तो वो बॉस है, वो बॉस, आप बॉस बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने वो जुबान सीख ली जो मास्टरों के साथ एक टिपिकल जुबान होती है, लेबर के साथ वहां पे बोलनी पड़ती है, उनको ये कहने की नहीं कि 2 तारीख की डेडलाइन का मतलब है कि आप इसको 28 की डेडलाइन देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 तक आपको रेडी करके, एक एक टिपिकल लैंग्वेज है जो आपने इस क्लास लेबर्स को बोलनी पड़ती है, अदरवाइज वो तो मरिया से जाने की कोशिश करेंगे। वन आइडिया दैट हैज चेंज्ड हर लाइफ, अगर कोई भी बंदा पसंद आता है एसएमडी, यू कैन गो एंड से मैं जाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी ब्रो लाइक आई लाइक यू bro, you tell him bro, bro. If you wake up as Meera, I would love that actually. I would love the fact that I could say whatever I want and people would love me for it. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था मरिया से जाने की कोशिश करेंगे, वन आइडिया दैट हैज चेंज योर लाइफ, प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो कि मैंने क्या जवाब देना है। आई विल आफ्टर आई आंसर योर्स, बट एक हमारा लास्ट में एक सेगमेंट है वेयर वी विल टर्न द कॉफी टेबल एंड आई विल कम इन योर पोजीशन एंड यू विल कम इन माय पोजीशन, या बेटर बी सो वन आइडिया cuz आई वाज ऑलवेज लाइक कंस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन थिंग्स। I wanted to be independent. Hmm. And because I wanted my independence so bad, I would do anything for it. Like when I was 18, I decided to work for Red Bull. Because one of my friends... If you were a Red Bull girl, we used to go out on the Red Bull I was in the marketing team. And we used to, at that time, 8-9 years ago, we used to get paid 35,000 rupees. Just and a lot of male attention because we used to see Red Bull girl and I was like ye na ek sports car chalati hui na ladkiyan guzri hamare paas se aur unke piche Red Bull kehne laga tha we say wo unhone jo ye wali ye kaun hai jo unhone ye wali hiring ki thi ye sari acche schools ki bachiyan thi aur angrezi bolne wali presentable sab kuch kiya tha usse pehle bahut ajeeb si interact kar sakti thi jaake exactly so when they kept us usi saal Red Bull like in your face हर जगह था। उसके बाद कोई मसला, अच्छा एक साल मैंने काम किया, मेरी बॉस फायर होगी, मैंने उसकी वजह से छोड़ दिया because I was like मेरी बेस्ट फ्रेंड थी and I was like मैंने नहीं काम करना आप, and then randomly I decided कि मैंने लंदन जाना है, like I want to make my own life, I always wanted to go and make my own life। ये भी आप घर पे ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि अमीर लोगों वाली बातें, एक दिन डिसाइड किया कि लंदन जाना है, पैसे पड़े हुए थे, टिकट था, वीजा लगा था, चले गए, इमेजिन अमीर लोगों की जिंदगी, बातें नहीं सुनो, फिलैंथ्रोपिस्ट किस्म की बातें, एक दिन डिसाइड किया लंदन गए, वहां जाके स्ट्रगल की, नहीं मैं बहुत रैंडम हूँ, मेरा अभी दिल करेगा ना मैंने कहीं जाना है, मैं रैंडम आप हैं बिकॉज यू माशाल्लाह यू हैव दोस अपॉर्चुनिटी, हम बेचारे हम रैंडम हो, हम इस्लामाबाद जाने से पहले 10 बार हमें सोचना पड़ता है रैंडम। मेरी बात सुने, मैं 35,000 रुपए जो मेरी तनहा थी, मैं एक महीने की तनहा के साथ गई थी और मैं अपने माँ बाप को कहा था कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए और वो मुझे कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम रहोगी कहाँ पे, क्या करोगी, सब कुछ करोगी। इंडिया सबसे अमीर आदमी है इस टाइम पे, वो एक टाइम पे बस में सफर करता था जी, हमारी जिंदगी तो आई एम जस्ट सेइंग कि अमीर लोगों के एक्सपेरिमेंट और एक और चोचले हैं, आई मीन दे डू इट, दे एंजॉय बीइंग नॉर्मल। हां आम होना भी जो है ना एक फैशन है कि यार मैं बड़ा आम आदमी हूं। आप जैसे नुमान है ना, नुमान की इंटरव्यू था तो आई मीन इज अ फ्रेंड, तो मेरी डायरेक्ट एक्सेस नुमान तक है, देयर वेरी फ्यू पीपल हु हैव डायरेक्ट एक्सेस टू नुमान, नुमान इज अ टीम, पीआर टीम, नई नई बंदियां हैं जो हर 2-3 महीने के बाद चेंज होती रहती है, नए नए नामों के अंग्रेज बच्चियां नुमान की जो है ना वो पीआर में आती रहती है। सो मुझे जो है ना एक रैंडम मैसेज आया कि सर लेट मी नो व्हाट इज अ गुड टाइम टू स्पीक टू यू, मैंने कहा कॉल कर लो, सर मैं ना फला रिची मिलियन से बोल रही हूँ, मैं सर नुमान की प्रोफाइल आपको डाल देती हूँ, मैं कहा बीबी मैं नुमान मेरा यार है, मैं बहुत इतना जानता हूँ, तुम मुझे भेज दो।
दो पर्चों की प्रोफाइल आई, द मान वॉज हियर, द मान साइडेड विद 25,000 रुपीज, देन ही वेंट टू एलएससी, देन ही वेंट टू फ्रांस. मैंने कहा देखो यार अमीर लोग जो, और आज आज अपनी बात को भूल, आज मैं आपसे बात कर रहे थे, एक बंदा रैंडमली मास्क पहन के आगे खड़ा हो गया और आगे कहता है हेलो मैं नुमान हूँ. मैंने कहा मास्क तो उतारो. जो जिनके पास होता है ना बहुत सादे लोग होते हैं, लाइक मैंने कभी कोई डिजाइनर लेने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लाइक आई वुड रादर. ये वो बातें कर रही है मेरी यार, इसको डिजाइनर लेने की जरूरत क्या है, इसके बाद अभी वार्डरोब के अंदर पीआर के कपड़े भरे पड़े होंगे. पीआर के कपड़े मैंने सिर्फ आज तक शादी के लिए पीआर के कपड़े उठाए हैं, जो ये वेडिंग्स के लिए, बिकॉज मेरे पास कोई बनाने वाला नहीं है जिसको मैं कहूँ, और मैं ख्वार नहीं हो सकती दुकानों में कपड़ों के, मुझे कपड़े ही नहीं पता है कौन से होते हैं. लाइक मेरी माँ करती थी बचपन में, दैट्स द ओनली टाइम आई हैड यू गेट नाउ पीआर क्लोथ्स और डिजाइनर दोस्त हैं सो दे गिव यू पीआर क्लोथ्स. तो मुझे लगता है मैंने आज तक जिंदगी में यहाँ पे शॉपिंग नहीं की, लाइक एवरीथिंग आई ऑलवेज बॉर्ड इज फ्रॉम लंदन. यू वर टॉकिंग अबाउट मैन एग्जैक्टली दैट, नो लाइक वी जस्ट प्रूव दिस पॉइंट राइट नाउ, बिकॉज़ लाइक मेरी माँ, आप फैसला आपने करना है कमेंट के नीचे जाके बताना है. लिसन यू गॉट टू लिसन टू मी, माय मॉम वाज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड. मेरी नानी की जब शादी हुई थी तो वो इंग्लैंड चली गई. सो यू आर ब्रिटिश नेशनल ना, सो यू कैन वन डे डिसाइड एंड बाय अ टिकट एंड Exactly. So I had this blessing के मेरे पास पासपोर्ट था, बट मैं अपनी कभी अपने पेरेंट्स के पैसों पे बता दी नहीं, कभी जिंदगी में. ये इंस्टाग्राम पे मरिया सफदर के नाम से है. अब यू जस्ट स्टोर एक ना टेडी बेयर के साथ इसकी डीपी है, सो लोग अब डीएम करेंगे टेडी बेयर नहीं बनी है, बनी है. देखे ना हमारे, हमें वो हमें बचपन में ये बताया गया कि ये सारे टेडी बेयर ही है हमारे लिए, अभी तक टेडी बेयर ही है. बट मैं क्वेश्चन का जवाब ये है कि माने लिया चेंज योर लाइफ इज दैट यू वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड यू वांट टू इंग्लैंड एंड यू डिड. मैं किसी को वो हक नहीं देना चाहती थी कि वो कहे कि मेरी वजह से ये पहुंची है यहां पे. यू जस्ट या आई वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन फ्रॉम जीरो टू 100. टैटू आप करेंगी कि वो किसी से हम करवा लेंगे? मेरे पास है टैटू ऑन द बैक, है इतना बड़ा. नहीं मैं अपने टैटू की बात कर रहा था, वो तुम इधर इधर वो करेंगे आप ना. बहुत बुरा मन है. वन आइडिया अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग अप योर ओन ब्रांड, वन आइडिया दैट हैज चेंज योर, कुछ भी हो सकता है. मैंने एक आपको बड़ी रैंडम सी बात बताई थी अभी ब्रेक में, आई होप आप रिपीट नहीं करेंगे, पर मतलब वन आइडिया दैट हैज चेंज योर लाइफ व्हेन यू थिंक दैट. Yeah, so I, it's a little serious, but khair wo ye hai ke it's about mental health. I'm very very fond of the concept of mental health. Aur maine hamesha isko, you know, I've always propagated. I've even done a whole collection, ek fashion show maine iske upar kiya hua hai. So humne even we've started a Reach a Million Mental Health Foundation. So ye ek cheez hai that I'm very passionate about. So mujhe lagta hai ki wo bahut ek important. I think mental health ki to aajkal jaise wo India mein ek एक्टर के साथ एक वाक्य हुआ है, तो लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर कितने पर वो कभी भी जाए ना कि वो अटेंशन उस तरह की नहीं आई, बट आई थिंक वो व्हाट गेट्स अटेंशन गेट्स फिक्स. सो ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, अगर इस पे अटेंशन हम देंगे, ये लाइमलाइट में आएंगे, तो ये एक जिस तरह जिसके पास दिमाग है उसको दिमागी बीमारी हो सकती है, इसी तरह जिसके पास लंग्स है उसको लंग्स की बीमारी हो सकती है. आई थिंक वी शुड स्पीक अबाउट इट, वी शुड गेट वोकल अबाउट इट. मैंने यहाँ पर देखा है कि कोई बंदा कहता है ना यार मुझे डिप्रेशन है, अच्छा चिल कर यार, चेयर अप. आई मीन बंदा तुझे आके ये बताया कि उसको उसको डायरिया है, तो यू विल से कि कोई नहीं ब्रो हैव दिस ब्रोनी, कैसे चिल करूं यार, वही तो चिल हो नहीं रहा, रात को नींद नहीं आती, बिकॉज़ हेल्प मी. कोई देखो यहाँ पर रिकग्निशन ही नहीं है कोई ओसीडी, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, ये सारी चीजें नोन ही नहीं है. स्कूल में क्या करते थे, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में, नलायक बच्चा है. और नलायक जो आप एक बच्चे को कह दो ना व्हाइल दे ग्रोइंग अप, दे विल थिंक दैट दैट्स व्हाट इट इज. एज 1 to 7 इज अ प्रोग्रामिंग इनटेक. आप हिप्नोसिस स्टेट में होते हो वेयर यू ओनली टेकन इन ऑल द प्रोग्राम्स. बात कैसे करते हैं आप, एक्ट कैसे करते हो, जैसे कहते हैं ना देयर इज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, और कहते हैं ना गरीब हमेशा गरीब होता जाता है और अमीर हमेशा अमीर होता जाता है. गरीब को कहोगे ना माइंडसेट, गरीब को कहोगे ना कि ये करो, गरीब सबसे पहले सोचेगा ओ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, माइंडसेट नहीं है ना. हाँ, और अमीर को कहोगे ना उसके पास नहीं भी होंगे ना, वो कहेंगे चलो काम करते हैं पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, और पैसे आ जाते हैं. दे गो आउट, दे आस्क फॉर हेल्प, जिसके पास पैसे हैं वहां से पैसे उठाए, जिसके पास क्रिएटिवनेस है आ जाते हैं. देखो अल्लाह आपके लिए वे बना लेगा, आप काम करो. व्हेनेवर आई गो टू मेकअप, आई एम एडजेंट फैकल्टी मेंबर एज वेल टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी, आई गो टू एलएससी एज वेल, रनिंग इन बिटवीन. कभी कभी मैं जाता हूँ मीडिया बनाने के लिए. सो आई टेल यंग पीपल के याद रखो, अच्छा मैनेजर वो है कि वो खुद नलायक होगा, वो लाइक नहीं होगा, याद रखना. वो एक नॉर्मल आदमी होगा, पर उसको ये पता होगा प्लग एंड प्ले.
कि इस बंदे को उठाऊंगा और यहाँ पर लाके प्लग करूंगा तो दिस थिंग विल स्टार्ट प्लेइंग। मुझे कैमरा चलाना नहीं आता पर मुझे ये पता है कि इस कैमरे को बेस्ट मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। अब मैंने एक अच्छा कैमरा मैन उठा के इसके पीछे लाके खड़ा कर दिया तो मेरी जिंदगी सुकून में होगी। मुझे कपड़े बनाने नहीं आते पर मुझे पता है कि अच्छा दर्जी कौन सा, कट कौन से अच्छे लगते हैं, ट्रेंड क्या है, मैंने एक अच्छा मास्टर हायर कर लिया, मेरी जिंदगी आसान होगी। सो आई थिंक आपको प्लग एंड प्ले जो है वो आना चाहिए एंड यू शुड नो कि बुरे और अच्छे के बीच में डिफरेंस क्या है। No, it's not like I was ever dumb. I was very like good in studies until 6-7 but because मेरी टीचर्स ऐसी थीं जो कहती थीं ओ ये नहीं है। जैसे I tell you one thing, मुझे आपने एक वाकया याद करा दिया। I was in 5th grade, so my father passed away in 4th grade. So I was going through hell of the time. मतलब कि हमारे पास उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था कि हमारे साथ हुआ क्या है। With passage of time, when we realized कि जो लग्जरी ऑफ लाइफ थी वो कम होना शुरू होगी ना, सिमटना शुरू होगी, देन बाय द टाइम जब हम बड़े होना शुरू हुए तो हमें रियलाइज हुआ कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो देखिए ना, आप 90s की बात करें, मिड 90s की, 4th grade का बच्चा आजकल का तो बड़ा तेज होता है, उस टाइम पे इतनी आपको नोहा ही नहीं थी ना। सो मुझे मेरे मैं वाज गोइंग थ्रू हेल टाइम, तो मेरे ग्रेड्स बड़े गंदे होना शुरू हो गए। सो वन ऑफ माय कंप्यूटर टीचर्स सेड कि मुझे बुला के, अगर तुम जिंदगी में ओ लेवल्स कर गए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने गोल्ड मेडल ले लिया है एमएम में। सो आई मीन दैट वन थिंग, पर ये मेरी वाल माई मदर वॉज वेरी एम्पावर्ड, शी वॉज नॉट अ वर्किंग लेडी पर पढ़ी लिखी बड़ी मजबूत तगड़ी। तो वो मुझे हमेशा वो एक ही बात समझाती थी कि दो चीज़ें उन्होंने मुझे बड़ी समझाई, एक तो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली ना करो। आई थिंक वो सारी बात मैंने ना लड़कियों की तरफ लगा दी। आई हैव नेवर डन एनीथिंग हाफ हार्टेडली, पता क्यों लगा पूरे। और उन्होंने कहा कि जब कोई दबाए, जो मरिया के साथ मेरी कनेक्टिविटी है ना, जब कोई दबाए तो याद रखो इतनी ताकत से उठ के वापस आओ, क्योंकि उसको ये डर है तुमसे, वो दबा तुम्हें इसी वजह से रहा है कि तुम उठ के आ सकते हो, तुम उसका कंपटीशन हो, अगर तुम उसका कंपटीशन हो तुम्हें कोई भी बंदा दबाएगा नहीं। एग्जैक्टली, सो आई टुक इट लाइक कि जब भी मुझे किसी ने दबाया है ना, सो आई सेड कि यार नहीं, अब जो है ना इसको करके दिखाना है। मुझे मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस गर्ल्स जो आपको प्लीज करने के लिए जी जी यस यस कर लेंगे। इफ आई डोंट थिंक समथिंग राइट आई विल टेल यू स्ट्रेट अप, लाइक आई एम वेरी आउटस्पोकन, मेरी मजाक, आई एम वेरी आउटस्पोकन, आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक शरीफ फैमिली, ठीक है। जब मैं करने लगी थी, जब मैं करने लगी, नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल, उसको भी देख के डर लगता है। इनका नाम आपको पता है पूरा नाम क्या? इनके नाम के साथ नवाज और सफदर। अच्छा। पूरा नाम जो ना मेरी यार नवाज हैवी नाम है, हैवी यार मैन आई गेट इन ट्रबल नो बट व्हेन आई वांटेड टू कम इनटू दिस फील्ड मेरे मां-बाप वर लाइक दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड ऑफ एवरीथिंग आई डिड। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने जो करना है तुम करो, बट डोंट फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम, लाइक डोंट डू एनीथिंग टू एम्बैरेस अस, या एंड मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसमें उनको कोई आके कोई बात करे या उनके, लाइक आई लेफ्ट इतने बड़े बड़े ऑफर्स जस्ट सो मेरे माँ बाप जलील ना हो, वरना मेरे आगे पीछे कोई ना होता मैं कहाँ पे होती भाई, अगर मुझे किसी और की फिक्र ना होती। आप जहाँ पर अभी हैं, आप लाखों और लाखों लोग जो है ना अभी आपको, दे लुक अप टू यू, यू आर अ गुड एग्जांपल कि लड़कियां जो है ना इस इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं, वो जहां पर भी जो भी है ना दे गेट एक्सपोज, फिर जो है ना फिर आपके घरों में लोग टापते हैं और फिर वो वीडियोस बनती है। किसी की हिम्मत से बेहतर है कि भाई आपकी हिम्मत नहीं है, मतलब आप अपने करेक्टर को इतना ऊंचा रखें कि किसी की जरूरत ना हो आपके ऊपर जो है ना, मेरे घर पे आने की किसी की जरूरत नहीं। एवरीवन न्यू वेयर आई लिव्ड, उन लोगों के घरों पे एगिंग वेगिंग होती थी लाइक बचपन में, मैं सोचती थी बुलाया हुआ घर पे ना आऊं, कि किसी की हिम्मत ना आई कि मेरे घर के बाहर आए, मैं हिम्मत करूं कि ना। मेरे डैड तो हंटर है, उनके पास बंदूकें हैं, तो हम लाइक पीछे ही रहो ब्रो, लाइक उन्होंने मुझे ट्रेन किया था व्हेन यू वर यंग, ठीक है। सो इफ यू कांट हैंडल माय नुमान से मैं एक चीज पूछूं, नुमान आई मीन यू आर एलएसी बॉय और आपने खुद ही कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह योर स्टेट, सो बेस्ट पिकअप लाइन जो आप हमेशा काम क्या यूज़ किया है एज अ स्ट्रेट पर्सन, क्या यूज मतलब लड़की के पास जा रहे हैं हो ही जाता है बंदा चले जाता है। अच्छा, वैसे एलएसी का एक ही सिंपल रूल है कि आपने पेन मांगना है, दैट्स द बेस्ट पिकअप लाइन ऑन अर्थ, लाइक इट डजंट गेट बेटर। और एलएसी का बेस्ट पिकअप और बेस्ट स्पॉट जो है वो पार्किंग शायद पेन मांगना है, पेन मांगना ना, दैट इज जस्ट टू ब्रेक द आइस, इट जस्ट टू ब्रेक द आइस। Do you have a pen? Achha, with girl. Then no, but didn't you ask how would... Pickup line, na? That achha, is, pickup line she for went like... to the girl, icebreaking ke liye. Achha. Rather than going to her and say, please be friends with me, punch in your numbers. Achha, that's the question. Do you have a pen?
सो शी वाज लाइक ओह यस आई हैव इफ शी हैव अ पेन देन यू विल फाइंड आउट कि वो है कहां देन यू विल गो बैक उसको गिफ्ट दोगे साथ पहन के बट डिड यू एवर हैव अ गाय कम एंड आस्क यू समथिंग लाइक दैट हां एवरीवन डस उसको तुम कैसे कटाते हो दे इंटरेस्टेड बट वो वैसे ही पहन चाहिए होगा उनको तू ले रख ले अपने पास नहीं चाहिए मुझे तेरा पहनना नुमान दैट्स व्हाई नुमान हैज सच अ बिग टीम ताकि वो फिल्टर हो गए नुमान तक देना नहीं हो गया रख ले तू अच्छा बेस्ट पिकअप लाइन बिकॉज़ यू नो यू आर समबडी हुज आउटस्पोकन सो इफ यू गोन टू अ प्लेस आपने वहां पर लड़का देखा आपने कहा यार वाह यार यू रियली सेइंग आई नीड अ पिकअप लाइन टू पिक अ गाय आई मीन अगर आपको ये देखो अगर कोई भी बंदा पसंद आता है देयर समबडी यू कैन गो एंड मैं जाऊंगी मैं उसे बताऊंगी ब्रो लाइक आई लाइक यू bro you tell him bro bro main no, So नुमान ने तो हमें जो है ना ये स्टोल के इनकी बेस्ट पिकअप लाइन इज डू यू हैव अ पेन सो व्हाट इज योर best pickup line I never had to use a pickup line but yeah. if I liked someone I talk with eyes so I'll look at you yeah keep looking at me now if you're staring at me I'll stare back at you and you'll know that I like keep you staring. otherwise tumhe meri attention hi nahi milegi warna main tumhe muh hi nahi lagaungi bol jao but if I give you attention jab baat karti na to dil karta hi bas bolti rahe इसलिए मुझे बोलने नहीं देता मैं सुनता आधी बातें मेरी कट कर देता है मैं बताऊं क्यों कर देता हूं ताकि मैं बोलने शुरू ही ना हो जाऊं इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो बहुत बुरे हैं तो किसके आप इसके आई डोंट गिव अ You don't give it enough. and I don't care पूरी दुनिया देख के क्या बोले I do not नहीं नहीं तुम समझी नहीं You didn't get it It's not about world. दुनिया की कौन परवाह करता है मैं तो भूल में चार कैमरे मेरे पर लगे हुए हैं 25 लोग हमें देख रहे हैं दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे अपनी जात की परवाह है अच्छा नहीं लेकिन तुम चिकन की बात अच्छा नहीं कमिंग बैक पिकअप लाइन यू हैव नॉट यूज्ड बट यू विल स्टेयर इनटू समबडी आईज और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया नहीं मतलब कि आई लेट देम नो एंड आई गो अप टू देम एंड आई टेल देम दैट आई लाइक यू एंड यू वांट टू गो चिल मिया कांग्रेचुलेशंस दैट्स व्हाट pickup line is no pickup line somebody, not cheesy pickup line is like no, oh I mean you just go and say is your dad a thief that is Numan Numan is Numan tarika is ki ladke to jaake foreign kehte the usse kehne eo move on you know you so wannabe ladkiyan keh sakti hain jaake ke acha Numan for you three most inspiring designers और आपको लगता है यार इनको देख के यार ये अभी बड़े ना अंडर रेटेड हैं देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल कि अगर इनको डायरेक्शन सही मिल जाए तो दे कैन गो लॉन्ग वे अपने ब्रांड को छोड़ के पाकिस्तानी या उस तरह से आई कुड नॉट नेम एनीवन इन पर्टिकुलर बट लाइक इफ आई वाज टू लुक एट समवन हु आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज टॉम फोर्ड आई हैव इवन वर्कड इन हिज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन क्लूजनपोका बट लोकली आई थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क my personally inside menswear I love Muneeb Nawaz's work myself I think he's a brilliant guy as well and yeah, his persona is very important more than your clothes the persona behind that he aur wo he's on a very positive side ke wo hamesha fraternity ko connect karne mein rehte hain absolutely ke lahore wale sab connect ho jaye and he is the first man ke jo jis because I lahore mein jitne bhi menswear hain bade gine chune तो मैं उन सबके कपड़े पहनता हूँ ही इज द फर्स्ट मैन व्हेनेवर आई एम वेयरिंग एन ऑपोजिट ब्रांड कंपेटिटर ब्रांड ही इज द फर्स्ट मैन टू लाइक एंड कमेंट या बिकॉज़ लिसन दैट इज हिज जेनरोसिटी यू नीड टू सपोर्ट योर पीपल सो यू थिंक मुनीब या आई वुड से ही डज ब्रिलियंट वर्क उसके अलावा आई थिंक ऑनेस्टली इन मेंस वेयर देयर इज वेरी लिमिटेड ऑप्शंस राइट सो दैट्स काइंड ऑफ माय एडवांटेज एज़ वेल I think everyone that is playing a good role, whether it's Republic or anyone, they're all doing a good job. So I think everyone has worked on their own niches, and I actually think that everyone's doing a fabulous job. But you think apart from your brand, Muneeb is the meaning somebody who does a brilliant job. Yeah. If you wake up as Meera ji. By the way, somebody told you that you look a younger version of Meera. Yeah, बहुत लोगों ने बोला है. तो छोड़ो उसको. If you wake up as Meera. But they already think I look like Meera. So wake up as Meera. If you wake up as Meera, what will you do? I would entertain people with my English. English? You will make a video, and you'll post it on social handle. अपने yeah, वे, ताकि I'm Meera, so I won't really. So आप snow. I can do whatever for attention. आप snow जो हैं, सुबह सुबह juice में snow डाल के पीएंगे.
हाँ स्नो डाल के और मैं गूसी सी आई से शॉपिंग करूंगी और एमसी डोनाल्ड से खाना खाएंगी ओह माय गॉड एमसी डोनट से जो मैंने उसके इंटरव्यू देखे आई वाज लाइक डाइंग आपने देखा ना टब्बू ज्वेलरी के साथ उसी के अंदर तो बहुत है ये सब गूसी सी आई एमसी डोनाल्ड टब्बू इज लाइक यार मैं कहां आ गया शी डूइंग इट फॉर अटेंशन cuz no one can be that dumb no no i No, she's not doing it for. It's for publicity, bro. She has something. I mean, she has just genetically. Bro, आप इतनी देर industry में हो. She lives on a different planet. उसको hormone ही different है. अगर आप इतनी देर industry में हो ना, अगर आप इतनी देर industry में सीखना होता है, आप सीख लेते हो. उसको पता है कि. Have you ever met her? हाँ. Have you ever met her? No. No. She has a different hormone, or that hormone is her unique selling point. USP. No, I love her. Like she doesn't give a F. Like I love her like that. Because you're saying we all love her. I mean, we love her. That's what you're saying. I don't know, but I love the fact that she doesn't give a flying F. Because she comes out and she talks however she wants. And the funny part is she gets all the attention because people love watching that stuff. I mean, उनकी generation के लोग और उसके Pipe लिए हाँ तो उसको इसलिए तो वो रहती है ऐसे कि उसको पता है कि मेरे हजारों लोग देखेंगे जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट मजाक उड़ाने के लिए चाहे देखें उसको टेंशन मिलेगी शी इज लाइक टिकटॉक आने से पहले शी इज लाइक टिकटॉक इनके वीडियो देखते जाए नो ब्रेनर वीडियोस आपको एंटरटेन करती है वो सो इफ यू वेक अप एज अक्षय कुमार Oh, get all the girls I want. Akshay Kumar is like a beautiful human being. If I wake up as Akshay Kumar, I will. No, but I worked with him. मैं रात को मैं सो के उठूंगा तो मैं देखूंगा ट्विंकल. Dude, he is the most elegant. So and I think somebody was telling me he speaks a lot of Punjabi on the set. Dude, he is the most. He's a comedian on set. He'll make everyone laugh. मस्ती कर रहा है. कोई prank किया आपने? कोई prank? हाँ मतलब कि हम लोग आया एक लड़का बाल सेट करने वाटर स्प्रे के साथ तो साथ लीसा खड़ी हुई है और इसके हाथ में कहते हैं स्प्रे दे तो कहते हैं अच्छा और स्प्रे करता है उसकी कमर पे एंड शी थॉट कि ही स्नीज्ड ऑन हर शी लाइक पूरे सेट पे भाग रही है एंड एवरीवन लाफिंग कि क्या हो रहा है और उसको असली में लग रहा था उसकी स्नोट है उसकी कमर और वो कहता है आई एम सो सॉरी और सारे हंस रहे हैं और वो भाग रही है पूरे सेट पे एंड देन अक्षय लाइक अ मिनट लेटर ट्राई टू पुल द सेम जोक बट Dude, ho gaya joke. Ho it's gaya. Not funny anymore. Yeah. Like, why are you trying to be Akshay? But I mean, he's very down to earth and lovely, lovely, lovely person. Like, an ideal person. Like, I would be with. Like, yeah. That's the kind of person I wouldn't mind spending the rest of my life with. Perfect. Decent banda. Last, but not the least, if you wake up as Uzma Khan, what will you do? Uzma Khan. Why are you smiling? Kya hua? Huh? What happened? Why are you smiling? Why am I smiling? Seeky no, because this is smile fun. On your face. This is fun because I can like do whatever I want now, and I don't have to give just, any like. You just imagine you're Uzma Khan. Can you please, we are such dear friends. Please tell me how much money do you have in your account at the moment? Me? Yeah. मेरे अपने. You're Uzma Khan. अच्छा, if I'm Uzma Khan. I'm talking to Uzma Khan. और flat दुबई में है कि लंदन में. Listen. हम लोग. उनके पास तो यहाँ ऑडी भी है लाइक घर भी है सब कुछ है अब क्या स्टेटस है अब स्टेटस देयर करोड़पतीज ब्रो लाइक बीट दैट आई एम नॉट सेइंग दिस ये उज़्मा बनी है आई एम सो ग्लैड दे टुक द मनी एंड दे वेंट बिकॉज यू कैन नॉट गो इनटू समवनस हाउस एंड ज़लीलोफाई देम इफ यू ऑलरेडी नो यू गोना लीव योर हस्बैंड एंड द लैंग्वेज दे यूज्ड शेमफुल एज एफ थैंक यू ठीक है वेलकम दिस लैंग्वेज वाज डिस्कस्टिंग यू गिवन अस द प्रोमो Thank you. Dude. I would love to. I want to tell the world. I ranted on my social media. Yeah, like you no did. Matter what kind of girls they are, no matter what they did, that was a private matter that should have been decided within the house. और अगर तुम्हारे मियाँ का already तुझे पता था और तुमने छोड़ना था, तो घर में घुस के गंदी अल्फाज use करके अपने गार्ड को कहे उसको touch करो सोएगी तुम्हारे साथ. What kind of family are you coming from? And what kind of example are you setting for your 11-year-old? Yeah. Shame on you. Shame I'm sorry to say, I don't so, give... So, but you know why I'm smiling. You know why I'm smiling. I'm so glad, because I was fighting for them. I'm so glad they took the money, because they couldn't come back into the country, because unke upar case ho chuka tha, aur unhone apni bachani thi. So, the only way she could come back is case wapis lo. Wapis. Theek hai, un logon ne case so, you said they took the right decision.
That was the only thing they could have done safely. Okay? So I'm glad they took the money. We now love her more because she has all the guts to put her point of view into words, or Yununka, this is your point of view. I was disgusted and horrified when I saw the videos and what they were doing to them in the videos. Tum ghar phalang ke kisi ka gate ka phalang ke andar jaake uski cheeze utha ke tod rahe ho, usko gandi gandi galiyan de rahe ho, jo maine sun ke hi mujhe depression hone shuru ho gaya tha. Tum chubede maar rahe ho usko guzarte hue, usko guard ko keh rahe uspe haath to lagao, soegi tumhare saath. Excellent. You have that. Who the hell are you to do all that to someone? Chahe jo marzi ho wo. Theek hai? I'm not someone who likes them, but if I will never stand with the oppressor. So, aapne jawab nahi diya ke what will you do if you wake up as Usma Khan? Ye to hogi. Now I can do whatever I want. Like, I'll decide which island I'm going to buy. But what will you do? What will you do? I mean, just imagine. अब क्या लोगी मतलब यू वॉक अब इस सिचुएशन जो इसमें अभी उस्मा जो करंट आज के दिन में करंट आई कैन डू एनीथिंग ब्रो आई प्रोबब्ली गो बाय आई मीन यू वर नॉट दैट एक्साइटेड व्हेन यू वॉक अप एज नवाज शरीफ वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं उस्मा के 2 करोड़ रुपए के ऊपर तुम इतनी खुश हो रही हो इतनी था 10 था हेलो 2 करोड़ नहीं था अच्छा 20 से कम नहीं था मैं बता रही हूं मैं वो देयर करोड़पति इतना आई एम सो हैप्पी आई एम अ जर्नलिस्ट मिल गई बी जेली cuz दे आर लिविंग द लाइफ तुम्हें पर तुम्हें अब लगता है 20 करोड़ पे नवाज शरीफ की नहीं कोई चीज है बट डू आई वांट टू लुक लाइक नवाज शरीफ माय पॉइंट इज शी वाज नॉट दैट एक्साइटेड नो आई एम सॉरी वो तो पतला कर लेती नो आई डोंट वांट आई'd rather have a good looking नवाज शरीफ बन गए तो यू bought I mean Range Rover that Range Rover now you're Usma Khan what will you have Birkin ke if I'm Usma Birkin, Khan then I Birkin, have Birkin ka bag wo to aa jayega kahin se somebody said kyun aayega kyunki unko aate hain na acha jaise Audi to ghar aur sab kuch aata hai so wo uski advice tum log ki jisne Mahira ko advice di thi कि बर्किन का बैग लेने का क्या तरीका है नाउ यू विल टेक ऑल दैट पहले तो मेरा नाम सही नहीं लिया ना तो मैं कसम से टैटू कराने लगी हूं तुम्हारे माथे पे मेरा नाम टैटू कराना है मैंने जान के नाम का ले रहा ना कि टैटू करा लो सो यू विल टेक हिज एडवाइस जो एक बंदे ने तुम्हें एडवाइस दी थी अगर मैं उज़्मा हूं हां तो मेरी लिसन दे कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर दैट्स ऑल दे नो ऑल उनको अल्लाह वल्लाह नहीं पता है कुछ उनकी माँ ने उनको यही सिखाया वो तो उठी उसमें से थी सो दे यू कांट ब्लेम देम बिकॉज़ उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दैट्स देयर मेंटालिटी दैट्स हाउ दे ग्रू अप आई मीन दैट इज देयर फार्मूला टू सक्सेस एग्जैक्टली बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे हैव बीन टॉट आवर फार्मूला आवर रोडवे टू सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड कीप अप फेथ एक अपनी चाल पे चलते जाते जैसे आसपास यू गो अप उनके पास अल्लाह वल्लाह नहीं है ब्रो उनको यही सिखाया गया है कि तुमने ये चाहिए तो तुम ये कर लो ठीक है और उनके लिए इजी मनी था टू गो डू ऑल दैट एंड गेट ऑल दैट बट आई मीन यू वर फिनोमिनल ऑन योर सेगमेंट सो नुमान इफ यू वोक अप एज फॉलिंग पीपल व्हाट विल यू डू सो जस्ट इमेजिन आई मीन यू वोक अप एज रीमा खान व्हाट विल यू डू इनिशियल यार व्हाट वुड आई डू I need your help. I'm absolutely blank. You need my help. I mean, it will sound a little unethical. I might go into my loo, okay, and see myself into mirror. I mean, that is pretty bold of me. But I mean, I would really like to see. You know, are you getting me? No, I mean. हाँ तो मैं ये कह सकती थी. I would go to the gym if I was Nawaz Sharif. I mean, but you lost your time. You just had Range Rover. Now roam around in that Range Rover. I would love to. So what will you do? I mean, I will go to loo. You know, you'd go to the loo. Look at myself. And I'll see where I'm actually from and where I went under surgery. I just know about myself. Achha, so I'd go with the next person. I have things. No problem. If you wake up as Meera. As Meera, I would love that actually. I would love the fact that I could say whatever I want exactly. And people would love me for it. So I would say all of the awkward things that I've never said in my life and I would say them. You would say that because nobody, you without people caring. People would love me for that. Yeah, instead of hating me. So if you wake up as HSY.
as HSY, I would be really happy because I think that everyone would love me for who I am, and I take advantage of that. So and what I will you do? I'd throw a really big party and get to know people. The will you invite us? To know people. Will you invite us? That's exactly what he does. Yeah? List, yeah? All right. So, agar ye HSY ban gaye, to dude, hamara to mufta on hai. I know HSY for real. I know HSY. I met him in the pharmacy 2 days back. No, I'm like chill with him. Sir, to ye nahi hai ki forever meet him and all that. She ameer hai na? Ego bhi le leti hai. Main apne paison pe ameer hu. Main kabhi apne maa baap ke paison pe nahi akri. Mere kab ka hai yaar? Kyunki tum kehte ho ameer family se mera baap ameer tha. Main if you wake up as Uzma Khan, what will you do? Yaar, bada chalak hai. That's an awkward question. I would enjoy the money that exactly. I got. Now, I'll say whatever happens, happens. You will not go in and wash yourself in mirror? No, I wouldn't, but I would just enjoy the money. You wouldn't even mind, like, nah, okay, I'm not. Usman, go. No, you will not go in and wash your mirror? I think I'm... I'll enjoy the money shock, that I have. You will call the helpline for your bank. And ask ke yaar mera ye sila ki bank kitna paisa hai yaar mere paas mujhe bata do mila kitna mujhe and lastly if you wake up as Malak Riaz where you are down it's so nice I think I would what would I do man that's be too much shame. Money to handle it's too much money you know yeah, but yeah. With great money come the great responsibility. Exactly. I would be ashamed if I was him right now. I wouldn't be ashamed. I would be super proud of myself. I would be like, if cool, I had you money, know? I'd forget to I will call it. I would be but like, I'll tell you what but will I do. His daughters did all that shit, so I would be like, embarrassed. Yeah, I'm I'll tell them not to do that. I wear kurta lacha. Theek hai? Wo jo silk ka lacha. And I will, you know, come out with my car. और मैं जो हूँ अपने सात आठ डाले लगा के आई विल रोम अराउंड इन द बेड एंड आई वाज शिट दिस इज व्हाट ये मुझे नहीं किया मैं कितने आई विल रोम अराउंड एंड से के यार ये मुझे जहर लगता है जब कोई मेरे सामने शोखी मारे ना उधर ही आई एम लाइक जितना मर्जी तुम्हारे पास पैसे देखो मेरी बात सुनो हम मिडिल क्लास लोग हैं हम अपनी रूट्स नहीं भूले लड़कियों को मलक रियाज बन की भी मैं लड़कियां इंप्रेस करनी ना डूड तो शर्म है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए amazing in this segment. So next is kill, marry and hook up. So we start with you. If you have to, there is option Shan Shahid, Fawad Khan and Hamza Ali Abbasi. You have to kill one, marry one and hook up with one. Say the names again. Fawad. Shan. Fawad Khan. Hamza. Mujhe pata Shahid se kaise. I'll kill Hamza. I'll why? I'll marry Fawad and I will hook up with Shan. So why do you kill Hamza? I just don't like, not like. You're not. I don't know. Gore chitte bachche nahi pasand tundi boys. Like I don't know, nothing about him attracts me. Like, Aja, all right. So I will go out. Shan seems to be interesting. So you will go out dating. Shan is like a man. Like yeah. He's like a chub. Like Punjabi movie mein desi bande mujhe pasand hai. Koi bhi shokha angrezi movie mein dekhe ho yahan. He is himself. He's like. बंदा लाइक यू बी लाइक हाँ कि मर नहीं रहा किसी के ऊपर या किसी की टेंशन लेने के लिए उसका इतना ऑरा है कि you'll sit there and you'll be like acha haan sahi hai Fawad Khan se shaadi kyun kari because he's loyal so Hamza aapko aap mar rahe hain hum nahi mar rahe hain Fawad inko loyal like, rakhte hain I don't know him personally us tarah like I must have met him once but I know a guy Hamza when I see him once killed in this round he's dead you know Hamza is gone he's so dead. Numan kill hook up or marry or your options are Meera Reema and Uzma मैं अपने दोस्तों में जो अनकंफर्टेबल करता हूँ ना कैमरे पे मुझे बड़ा मजा आता है मीरा रीमा उज़्मा खान किल हुक अप एंड मैरी हुक अप तो उज़्मा खान हुक अप उज़्मा वाओ यू नो शी इज रिच यू नो आई एम मैरी रीमा इसका मतलब है कि अगर हम आगे देखें कि डिफरेंट रिची मिलियन की एकदम मशरूम ग्रोथ के ऊपर ब्रांड स्टोर आ रहे हैं तो इसका मतलब समझेंगे टीवी ने कामयाब कर दिया
So Uzma is you go out with Uzma. Yeah. And you I marry Reema. You marry Reema and you kill you kill Meera? Yeah, yeah, for sure, man. Yaar, hamara TikTok mar jayega. I couldn't take a day with her. I love being her. But you know, like Donald Duck doesn't like Donald Duck, you get annoyed yourself, you know. I think you guys have done excellent. Killer. So my next segment is if you have to give advice to the following people. So it's just, I mean, one word or one sentence advice, what advice you will give to this? We start with you aur aapko hum time de rahe hain ki dekhne ka. So new designers who are coming in. So agar ek advice aapne deni ho naye designers ko to kya advice denge aap? It's that do whatever you want to. Don't think that you have to go big from the beginning. Start off with scratch, start off small. There's no issue in it and never ever have an ego. Be yourself. Be original, you'll find your way. Excellent. So, जो clients आपके पास आ रहे हैं designer wear पे, so if you want to give them an advice, क्योंकि अक्सर जो clients आते हैं designer के पास, they come up with an unrealistic approach and expectations, you know. So, कोई एक advice आपको देखने वाले हैं, उनको देना चाहें? I've been lucky to have very good clients who really trust me. But I think one thing which is very important is that either don't come to us, but if you do come to us, trust us. So I think that's very important. I think whenever you're going to a creative person, then leave it's passionate up to as them. Well. A client brief de dein ki what do you like? Then let them decide. Absolutely. Don't tell a person how to do their job. Like इस तरह की चीजें हैं. यू कैन टेल देम एंड टेल देम कि यार आप इसमें से जो भी बेहतर आप बना सकते हैं प्लीज नाउ एडवाइस मी. सो वन मोर एडवाइस टू जहांगीर तरीन, इफ यू हैव टू गिव सम एडवाइस टू जहांगीर तरीन. आई थिंक दैट ही हैज प्लेड इट रियली वेल द होल सिचुएशन. I think so. Acha. And things went in his favor. I think he knew how to make a good buck. Achha. So I'm impressed with that. Like I mean, but that's inspirational. Perfect. So if you have to, you know, rate these movies, Pakistani movies, because you are an actor, in your personal preference, usko rank karna, Jawani, your option tha Jawani, phir nahi aani, War, Actor in Law, Punjab nahi jaungi. Mujhe na se koi movie yaad nahi hai. She only knows her own movies, man. Aap boss se logon ko send kar dengi. Yaar, nahi, because yahan pe content hi nahi hai logon ke paas. No, think Jawani phir nahi aani was an excellent movie. I must have watched it, but matlab ki they were hilarious. They provided us with Houseful 3 se, ya Houseful se jo franchise hai. Jawani phir nahi aani wo hai jiske andar Humayun Saeed, Ahmed Ali Bhatt, Fahad Mustafa. It was a hilarious movie. Javed Sheikh. अगर आपने नहीं देखी, I will advise and recommend. I might have watched it, but मुझे कुछ याद नहीं है उसमें से. But it was I like films जो तुम्हारे ऊपर कोई impact बनाए. You remember like so इसमें से number one कौन सी आपकी? कौन सी? I saw War. I saw और कौन सी थी? पंजाब नहीं जाऊंगी. पंजाब. Actor in Law. Actor in Law मैंने देखी. I think I've seen the rest of the three, but मुझे story याद नहीं है. इस तरह War की मुझे याद है. It was on some like war stuff, war on terror, which was really nice. Like I like that. Excellent. और उसकी जो है camera work and सब कुछ अच्छा था. But बाकी लोगों का like it was okay. They tried to make it glamorous, but there was not really any content. जवानी फिर नहीं आनी is a great franchise. और जिसने Houseful आपने किया है, if you're going to watch it, so it will leave you with laughters and laughter. It provide you with entertainment. ये वाहिद बोन movies में जो पाकिस्तानी movies लगती नहीं. So you should go and watch it. So आपके लिए जो मैं वार देखी, वार had an impact on you. अगर आपने इन एक्टर्स को इनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर रैंक करना हो, सो हाउ वुड यू रैंक देम? अली जफर, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान. Okay, so I'll tell you a fact. I started watching Pakistani dramas because of Fawad Khan. ठीक है. और मैंने उसके जितने आज तक उसने गाने, yeah, that was because everyone was raving about it, and I was like, क्या है इसमें? People were going gaga about it. They were talking high about it. Yeah, so when everyone stopped watching it, then I was like, अच्छा, अब मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या. You watched it on YouTube. And then I watched every single drama of his, जो उसने शुरू से लेके आज तक किया है. I watched all of them. All right. How did you, I mean, rate these actors? Fawad Khan is an amazing actor. Number one. फिर कौन था? Then we have Ali Zafar, Humayun Saeed, Fahad Mustafa, Shan. मैंने Fahad Mustafa और Humayun Saeed का इतना कोई खास काम देखा नहीं है. They go down. हाँ, और कौन? Second पे Ali Zafar, Humayun Saeed. Ali Zafar is a
मतलब कि उसको मैंने he's entertaining because मैंने उसकी सिर्फ एक फिल्म देखी है वो जो माया के साथ थी ठीक है Thief and Trouble हाँ फवाद खान is a good actor but the rest फवाद अली हुमायूं सईद और शान को कहाँ रखेंगे शान को अशान is a good actor as well but उसका like because he was in Punjabi films and everything he has more variety so number one is फवाद खान then अली जफर then number third पे शान हुमायूं सईद fourth fifth के ऊपर फवाद खान और फहद मुस्तफा इधर दे काम आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द वंस दैट यू मैंने काम नहीं देखा फहद मुस्तफा आई डोंट इवन लाइक मैंने उसका कभी काम ही नहीं देखा ब्रो कौन फहद का फहद इज द मोस्ट एंटरटेनिंग आई नो मैंने उसके शोज देखे हुए हैं बट उसका ड्रामा वामा नहीं मुझे डीएम आ जाना फहद भाई का फहद भाई मैं कुछ नहीं बोलिया लाइक मैं नहीं हूँ ब्रो नहीं इतनी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है इफ समवन डजंट नो यू मैं कभी कहीं जाके नहीं बोलती हूँ मैंने बॉलीवुड में काम किया आई मीन दे हैव सच बिग एंड देन पीपल आर लाइक ओ किया आई एम लाइक हां ब्रो लाइक नॉट अ बिग डील लाइक परफेक्ट सो यू वर अमेजिंग सो अगर आपने नुमान इन डिजाइनर्स को रैंक करना हो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के लिहाज से हाउ वुड यू रेट दिस और रैंक दिस डिजाइनर्स सो फिबोनाची Richie Mil- Republic, okay. HSY, Univoth. I think I would put Republic at the top because I think that, again, I think their clothes are very good. They use very good mills as well. All right. They work with the same. You're number one. Yeah, so the same mills that we use and they do a phenomenal job. I would put Fibonacci at second. I think the person behind it is a brilliant guy. Thank you. I was just about to say, hey, hey, bring it up. My relation with Fibonacci. Anyway, he's a brilliant person. I don't know a single person who doesn't like him. Yes. Phenomenal. He's a really nice person as an individual as well. Uske baad third pe I would put HSY because I think that for menswear in womenswear to he's in everything he's actually the king but like I feel like with regards to menswear suits and stuff that's not his forte right forte. So on that front and then lastly I would put Univoth why have you I mean brought down Univoth on number four because I don't think so they're a designer label nah, it's more of a commercial brand more mass office to wear exactly, customized exactly, bespoke exactly. So, आपकी हिम्मत है कि आपने अपनी फ्रेटर्निटी को जितनी जल्दी रैंक कर लिया आई वुड नॉट हैव डन दैट सो अगर आपने फैशन वीक्स को दोनों ने रैंक करना हो और दो फैशन वीक्स के मैं आपको नाम बताऊंगा और आप इनको नंबर वन और नंबर टू पे रैंक करेंगे क्यों रैंक करेंगे ये आप बताएंगे BCW स्टार्टिंग विद यू BCW और जो है दूसरा आपको पता ही है PFDC अच्छा आई वुड रैंक PFDC एट नंबर वन फॉर श्योर I think it's because of Mr. Singh. And आपकी जो वो थी, if I'm not wrong, जो वो animal से जो थी वो that was PFDC the first show. That was it made international news, bro. No, that was very wild. I mean, they did such a fusion. तोते और शेर और you know, I mean, I was like yeah, they're more creative. They put more I was on the red carpet. I was doing the red carpet. Nice. And मेरे पास ना एक बंदा है इंटरव्यू देने के लिए उसके यहाँ पर थोकता है ना मैं ये कौन है उन्होंने मुझे बताया कि ये ऋषि मिलन मैंने कहा अच्छा वो तो फिर उसने नुमान इतना सोचता है ना नुमान ने कह रहा था कुछ धमाके ही होगा अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या धमाके किया So, unko number one. Yeah, for sure. And I think she's a vet, like she's someone who knows her stuff. I have literally learned so much of her. She's someone who I remember last time we were showing Miss Sarah Segal, brilliant Sarah person, extremely well versed with the fashion concept herself. And even though I've studied then aapko lagta hai ki this is my personal opinion I mean I've been part of it BCW for past 3 years so aapko lagta nahi ki connectivity wise because you're in I mean bridal aapka grooming groom aur shaadi se related brand hai to BCW has more connectivity I think they have a very good coverage for the fact that it's backed with So I think that gives you a very good platform. So just for example, last time even when it aired, so it brought us a lot of orders in. So there's no doubt that obviously, us tarah se media coverage ke lihaz se they have a you know a lot better advantage. But if you look at fashion and understanding the fundamentals of it and what a show should have, I think Miss Sarah Segal would stop it for sure. So, aapke liye jo hai PFDC Fashion Week is number one. Yeah. So for you. Like PFDC, I've never been in it, but I like it because they put a lot of effort into shows. You've been part of BCW? Yeah, but I have a problem with people who think that the models are not. Yeah, models.
No, because I was, I'm not a model, I'm an actress, but obviously Please I was... Please don't call yourself a model. I would never call then myself a model, but I was list. One of the models because I was on the, I was going on the ramp, you were, right? You were, basically, you were a celeb who's there to endorse the brand. Yeah, exactly. I mean, no, let's but put it in more, no, more this is like magical sort of words, you know. You the fashion designer karte hain ki baby, this is in French cut, you know. This fabric is this and that, and you were like, "Acha yaar, I'm okay. Pa liya." What I hear about this industry is yahan pe, because these models come from all kinds of backgrounds. Yeah, yeah. They're desperate for work. Yeah, so they will take great, anyone's shit. Yeah, okay? And when you take people's shit, वो क्या करेंगे, they'll give you more shit, more shit. Right? So either they need to understand. On the backstage, there was this designer, very renowned, आप और मैं, we're very well connected with that designer. और एक लड़का जो कि जिसने मूवी भी की हुई है और अपने वेटरन मॉडल है, उसको वो कह रहा है, उसको शेरवानी बनाते हुए कह रहा है, और बॉडी बनाओ, और बॉडी बनाओ, फिर कपड़े फाड़ते हो तुम लोग, और 100 बंदा खड़ा हुआ है वहां पर. और वो मैं आपको बताती हूँ ना, लाइक कज आई सॉ इट. मेरे साथ तो हिम्मत किसी की नहीं है कि वो आके बात करे, मेरे सामने कुछ करे इस तरह, उनको पता है मैं सुना दूंगी आगे से. बट रिहर्सल्स हो रही थी और एक डिजाइनर बैठ के चुच्चू सा रिहर्सल्स करा रहा था, मैंने कभी सुना भी नहीं उसका. और ये लड़कियां चल रही है रैंप पे, बताऊंगा क्या कहता है, जल्दी जल्दी चलो उन्हें जूतियां पड़ेंगी. आई एम लाइक व्हाट, you let them say that say shit that. to you. That's why they treat you like shit. Yeah. And tum logo ki koi izzat nahi hai, because this is what you take, because you're so desperate for work ki tum kuch bhi sun lo aur kuch bhi treat kar lo. To mera made me sign two shows with them. Theek hai, pehle show pe mujhe kehte hain ki pehle to dhamkiyan de rahe, koi time pe nahi wahan pe jata. I'm a very punctual person. Theek hai, to ye log kehte hain is time pe niche pahunchna hai, ye ho gaya. अब मैं नीचे गई हूँ, देयर इज नो वन, और ये कॉल टाइम है, कोई बंदा ना बंदे की जात और ना कोई हेयर ड्रेसर ना कुछ. कब की बात है ये? 2000? I don't remember the year, but देख लेना पता चल जाएगा. 19 और 18? पता नहीं, एक दो साल पहले की बात, तीन चार साल पहले की बात है, ऐसा कुछ है. बट मुझे कॉल करके ऊपर, नीचे आओ वरना तुम्हारे पैसे काट लेंगे. मैंने कहा दे क्या रहे हो कि पैसे काट लेंगे. मैंने कहा अपने दो टके तुम लोग दे रहे हो ना, ये भी रख लो तुम प्लीज, आई एम नॉट डाइंग. तो मैंने नीचे जाके सबके सामने उस बंदी की इतनी बेइज्जती की, आई लाइक हु द फक डू यू थिंक यू आर, मुनीरा, आई सेड आई डोंट गिव अप. ठीक है, बट आई वाज लाइक कि तुम सस्ती धमकियां किसको दे रही हो, हु डू यू थिंक आई एम, मैं कोई मर रही हूँ तुम्हारे शो में आने के लिए. Haan, I was like, bro, I'm not going to take your shit. I did that show, she kicked me out of the next show, but I was like, main aati bhi na aga, even cool if you get me. So PFDC is number one for you thing, and BCW comes after PFDC for you. This is what you're saying? It doesn't even come in the list, bro. Like, I never did any fashion weeks because of that. Maria, if you have to rate falling actresses, your colleague actresses, सो इनको आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे किस तरह रेट करेंगी? महविश हयात, सबा कमर, मायरा खान, उर्वा हुसैन एंड कुबरा खान. सबा कमर एक्टिंग में नंबर वन, नंबर वन. महविश हयात, मायरा, उर्वा, कुबरा. बाकी एमी सी हैं, लाइक इतनी कोई एक्ट सब लाइक मुझे सिर्फ सबा कमर इज अ रियल एक्ट्रेस. बाकी सब उसके मुझे शायद पर्सनली वो अच्छी भी ना लगती, लाइक द ऑरा, लाइक आई, बट लाइक बिफोर लाइक आई हैड एवर मेट हर, आई लव्ड हर एक्टिंग बिकॉज़ शी इज रॉ, शी इज देयर, एंड बिकॉज़ शी कम्स डू फिनोमिनल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. या सो स्पॉन्टेनियस, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एक्ट्रेस में उसी को बोलूंगी, बाकी जो है वो पानी लेने जाए. बाकी लाइक नो कमेंट्स. इफ यू हैव टू रेट दीज फोटोग्राफर्स इनके काम के हवाले से, हाउ विल यू रैंक देम? सो नव अतर शहजाद, अजीम सानी, खावर रियाज, टप्पू जवेरी. कुड यू कम अगेन? अतर शहजाद, अजीम सानी, खावर रियाज, टप्पू जवेरी. I think right now, Atish Shahzad, I would respect for the fact that he's someone who's very old and knows his stuff. Second, I would give Azeem Sani because I think he does a good job and he's very evolved. Number three, I would give Khawar Riaz. He's also very old and obviously someone. And then lastly, I would Tapu Javeri. Tapu Javeri is also one of the veteran photographers. Yeah. But hamara unse itni interaction nahi because we are based in Lahore. She's based in
कराची राइट राइट सो अब मैं आपको सब बताया था अजीम ने क्या कहा इन्होंने कहा अथर शहजाद अजीम सानी खावर यास टपू जवेरी एंड विल यू आई मीन इवन बिलीव दैट कि मैंने जो लिखे हुए हैं ना अपने पास वो भी इसी तरीके से इसी तरीके से जो है ना वो लिखे हुए हैं अच्छा नुमान आई नो आपने ये बता चुके हैं पर फिर भी आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस ऑन अ गन पॉइंट यू हैव एन गे इनकाउंटर इफ यू हैव टू चूज समवन हु वुड दैट पर्सन बी And here's that option. Somebody has pointed a finger, gun on you and that person is saying, hey, 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 you got to do that gayish thing. But I give you one thing. I am very generous, yaar. Ek banda jo hai na, apni marzi ka choose karna. Maybe that person... Tum generous ho, aisi situation mein dal ke generosity kahan gayi. I'm coming to you as well. I think I'll let him shoot me probably. Huh? Yeah, I'll let him shoot exactly. Me. You let, but I'll let like him to get me. Shot? Yeah, yeah. All right, he would rather get shot. Shot. I can't do that. Like, exactly. All right, yeah. So he will take that bullet in his head. Dude. But never, you know, touch the same gender. Absolutely. I am proud of you, bro. I feel safe now. More safe. So, I mean, if you have that same encounter, somebody is... has pointed a gun on your head with no other option or you have to choose you're in a the same sort anyone. Of anyone any girl any girl of your choice kya pakistani nahi chale na chune bori chun le okay whatever makes you happy I'm very picky so I don't know She's just started visualizing that encounter. Megan Fox ho to main kaise lungi Megan Fox yeah actually I don't mind Megan Fox I don't mind Megan Fox she's really sexy yeah so one more thing in common so you know I love Megan Fox yeah so you know she's the one jo abhi tak jo seedha jawab is encounter kiya tha she is the one who chosen Everyone has taken bullet Achha. in their head. Or dude, what? Guy on guy is nasty. Girl yeah, on girl, men don't mind. Get that. Yeah, men don't mind their girls being with other girls. But if I found out that my guy is like doing another guy, I'll die. Trust me, you will never. I will die. I will die. So we're going on a short commercial break. Break. Se jab wapas aayenge, guess a person. Jo hai ek hamara segment reh gaya, wo hum inse guess karayenge. I'll tell you, you'll guess right like that. But एक तो हम उसकी काफी बातें कर चुके हैं already. और बंदी है. लड़का है बंदी है. एक तो ये हो गया कि बंदी है. और politician है. वो अगर तुम होती तो तुम बड़े मजे करते. याद है तुमने बोला था. ठीक है. अच्छा, what did I choose? हाँ, who am I gonna marry? Fawad Khan. No, no, that's you. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास हमारे दो गेस्ट मौजूद थे अभी भी मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और जो मैं इनके साथ अब सेगमेंट करने वाला हूँ उस सेगमेंट में आप लोग को मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा ठीक है और आपने वो उस पर्सनैलिटी को उस सेलिब्रिटी को उस पॉलिटिशियन को एक्ट आउट करना इन अ वे कि दूसरा बंदा जो है वो उसको सही तरीके से जज कर ले और जो बेहतर जज करेगा जाने तो दोनों के साथ ही गिफ्ट हैम्पर थे कॉफी प्लैनेट के पर कोई नहीं कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं है आपके लिए मेरे पास सो सिंस ये मेरे से करीब बैठी हैं और अल्लाह के लिए करीब रहें भी तो हम इनसे स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस टाइम पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है ऑडियंस को तस्वीर नज़र आ गई अब आपने रुमान आप सवाल करें हम दोनों आपको जो है ना गाइड करेंगे यार लाइक मनी कैन आस्क एनीथिंग बट स्टार्ट आस्किंग बट ही डजंट अगर वो नहीं जानता है तो मैं जो मर्जी कर लूं उसको नहीं पता चलेगा ऐसी बात नहीं वो जानते बट मैं ऐसा क्या करूं कि हमें पहले तो ये बताना है कि जेंडर क्या है ये बताना है मैं खुद बता सकती हूं जेंडर बताना नहीं सो शी कैन स्पीक शी डजंट हैव टू एक्ट नो शी कैन स्पीक अच्छा हमने वो एक्ट नहीं करना हमने हिंट्स देनी है बेसिकली अच्छा अभी क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो बड़ी आसान है वो दो सेकंड में बताती हूँ अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं नहीं
एक तो हम उसकी काफी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी और बंदी है लड़का बंदी है एक तो ये हो गया कि बंदी है और पॉलिटिशियन है वो अगर तुम होती तो तुम बड़े मजे करते ज्यादा तुमने बोला था ओके बहुत मजे करते बहुत मजे होते हैं अभी आप पाकिस्तान में ना होते अभी ना होते लेकिन तुम उसको मार देते अगर तुम्हें दूसरी ऑप्शन मिलती है उस्मा खान अच्छा मार देते वाली ऑप्शन में क्यों आपने एकदम बोला उस्मा खान नहीं नहीं मैंने वैसे उसको मारने का नहीं कहा था मैंने उसका ये कहा था बाहर के मुल्क का मारने का मार देते मार देते अगर that was MC Donald's man MC the hooker was that So, gender kya aayega? He's a man. Okay. If it's a man, but ask like a boy, I'll tell you it's a boy. He's a man. The proper man. He used to be in old Punjabi films. Acha Pakistani. हमने उसकी बात भी की थी. Yeah, Shan. Shan, Shahid, I think. सो ये लास्ट वन है आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना आपके लिए मुश्किल होने वाला है अगर आप ये कौन है नाम नीचे देखें समझ आ जाएगी नुमान को पता होगा आगे समझ नाम मुझे पता ही नहीं कौन है अच्छा इफ शी डजंट इवन नो हर एक्टर आई गिव यू आई गेस इट इज सीन पे जो हमारे ऑडियंस को नजर आ रहा है कोई और बताओ ये जो है ना ही इज अ कॉमेडियन ओके और आजकल जो है ना शुगल मतलब टिकटॉक नहीं है शुगल इंटरटेनमेंट है ये इंटरटेनमेंट है विदाउट जीरो ब्रेन आपको इसकी वीडियोस देखनी पड़ती है नो ब्रेनर वीडियोस अच्छा अच्छा ठीक है उसके अलावा ये आजकल बर्थडे विश करने में बहुत आगे आगे है अगर मैंने आपका शुगल लगाना ना बर्थडे पे तो मैं इसको कहूंगा कि नुमान को बर्थडे विश करते वीडियो बना के पोस्ट करेगा तो हम अपने दोस्तों में वीडियो पोस्ट करेंगे अच्छा 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 व्हाट्स हिज नेम The long hair guy. Long ha, yes, yes. Johnny Jugnu ke ad pe bhi aaya tha. What's his name? Johnny Jugnu ke ad mein. नहीं वो तो था ना excuse me आप भी हाँ हाँ नहीं वो उसी तरह का अच्छा फिर I don't नहीं ये मेरा सवाल है तो तुम क्यों मैं आपकी help करूँ ना नहीं help नहीं करो कोई और बंदा ना कहा अच्छा है comedian okay मैं I think then I'm not gonna be able to guess it I think हमारी screen पे नजर आ गया इनको भी नहीं पता पर आपको पता होगा नासिर खान जा आज का birthday तो वही विश कर रहा है ना शुगल में नासिर खान जा So, अब मैंने जो है नुमान को आंखें बंद करो आंखें बंद नुमान को आपको दिखा रहा हूं मैं आंखें बंद ठीक है चीटिंग नहीं करनी अच्छा आपको समझ आ गई अब आपने इनसे हमने गैस करवाना फैशन डिजाइनर अच्छा वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई डोंट हैव हेयर देयर वी गो ही डजंट हैव हेयर मैंने सोचा ही नहीं आंखें बंद यार ठीक है अच्छा व्हाट डिड आई चूज हां हु एम आई गोना मैरी फवाद खान नो नो दैट्स हु यू आर गोना मैरी दिस एंबैरेसिंग यू आर गोना मैरी रीमा या रीमा बट शी इज नॉट रीमा शी इज नॉट दैट्स नॉट रीमा इट्स नॉट रीमा मैं गेंदू आप उन उनका यंगर वर्जन है मीरा मीरा नो वे वाज मी ओह ओके ऑप्स मेरा यंगर वर्जन यूज मीरा ओके योर फेवरेट पॉलिटिशियन इमरान खान नोप माय फेवरेट पॉलिटिशियन द वन दैट यू आर पॉलिटिशियन आई एम बीइंग सार्कास्टिक यू आर बीइंग सार्कास्टिक देयर यू गो हां वी हैव टॉक्ड अबाउट रेलवे नवाज अबाउट रेलवे हां ही वाज समवन हु व्हाट वाज इट यू हैड इन योर गेसेस एंड ही मैनेजेस द रेलवे Huh. Oh, the Malik Riaz. Malik Riaz. Something oh. whose name you said about Sheikh. Ah. Sheikh Rashid. There we go. Excellent. So, I mean, this brings us to towards the end. You guys were phenomenal on the show. Aapne, how did you find our coffee? Aur aapne mere khale ye cupcakes, yani you haven't tried cupcakes. So, ek baar cupcake try karke zaroor bataye. You're going to try this. I'm sure it's lovely. I love the coffee.
I love the coffee. I had a cappuccino, I had a cold coffee, and they were both amazing. Yeah, kept me going. Kept me going? Yeah. This is like Numan brand name. So really? So difficult. No way. Initially, now Rishi Million is like household name, known all over Pakistan. But initially, it was like a tongue twister sort of a thing. Richie Million, Richie Milan. So it was, you know, in Lahore. Mein. So wo park ko park, ghost ko ghost, Richie Milan. Usse main koi naya hi seekha, Milk Shake. Milk Shake. You know, Lahore mein to wo cheez hai. Bro, tum itni badi gaadi mein baithe ho, tum bahar rehte ho, aur tum idhar aake bole Milk Shake. Maine kaha please. Wo abbu ke paison mein jo ameer hote hain. I hate that, bro. अकड़ो नहीं अपने माँ बाप के पैसों पे, अपना बनाओ ना फिर अकड़ो में. चलो ठीक है, तुम आज खाने में लेके जाना, मैं सुशी खिलाने तुम्हें. चलो यहाँ से डायरेक्ट. चलो गाया. Hello, bhai. So how do you like my cappuccino was amazing. It was very well brewed. I loved it. So I think it dono ke sath hum cupcakes hain pack karke bhijwa denge. You guys not in a mood to I'll have it when I'm munchy. So last segment, if we have to turn the coffee table and you come in my position and I come in your position, so ask me one thing you want to ask. Can I go first? I knew it. So who would it be? Numan, you. Come on, man. That's a way to make someone open. I take my question back. You're screwed. He tried to off guard me. Literally. He tried to off guard me. I never get off guarded. So, more reverse. So, you have to, you got your answer, baby. You know, bro. It was, now it's from bro to baby. Oh my God, run. You want it this way? I can't help it. We haven't talked about it for past. I mean, I know him for past. So are you straight or are you? I am. You go both ways. I want to have tattoo of your name. Oh, you go both ways. No, I don't swing both ways. I only swing the straight way. The straight way. No. Achha, so if you have to ask one question. So abhi kya tha mera? Question nahi tha. No, both of course. Yeah, but one of the questions you asked me. If you want to ask anything. Anything? If you're a host and I'm your guest, if you have to ask one thing. He asked a very interesting question. I like this question. But I just asked you a question whether you're straight or gay. So That was no, because you chose him in that encounter. So then I was curious whether you're straight or not. अगर आपसे कोई ये next time सवाल पूछे, you just go straight to his the person. And that's you. And he's like, no. I take my question back, man. अलग उसको off guard कर दिया, तो मैं छापा पे आ गया, उसने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? Yeah. You can ask interesting things. I mean. Yeah. You can ask interesting things. She's so boring, you know. ये जो आपको लगता है मैंने कभी किसी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं था. इतने बड़े-बड़े आपको हम इंटरव्यू लाके देते हैं. मुझे इतनी ऑफर्स आई हैं होस्टिंग की, मैंने कभी टैलेंट होता है इसमें. मैंने कभी नहीं की होस्टिंग, मुझे पसंद ही नहीं है. रैंडमली I just asked you whether you were gay or not. ये तुमने काटना है ना, इसलिए तुमसे बार-बार दूसरा सवाल पूछ रहे हो. मर्द हूँ और ख्वातीन में ही इंटरेस्ट रखता हूँ. हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन था. अब तुमने काटना होगा ना. थैंक यू फॉर कमिंग इन. आई हैड एन अमेजिंग टाइम और ट्रस्ट मी, मुझे मैंने बहुत से शोज किए हैं. देर वेरी फ्यू शोज विच लीव ए फुटमार्क, या वो इम्पैक्ट जो है ना आपके दिमाग को छोड़ के जाते हैं. सो दिस कॉन्वर्सेशन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मी. सो वन लास्ट सीरियस मैसेज इफ यू वॉन्ट टू गिव, कि जितने भी हमारे मिलेनियर्स आपको देख रहे हैं, यंग पीपल आपको देख रहे हैं, सो उनके पास यहाँ से ज़्यादातर हमारे मासेस देख रहे हैं इस टाइम पे टीवी चैनल के थ्रू. कम ख्वाब बड़े होते हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो उसके बारे में कोई बात करना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काम करना चाहें, कोई लड़कियाँ जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करना चाहें, सो वन शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज. ओके, आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू हिम अबाउट दिस दैट From age 1 to 7, when a kid is growing up, आप उस बच्चे को उस एज में जो बताओगे और सिखाओगे पूरी जिंदगी बेस करती है उन 7 years पर. ठीक है. So first 7 years are very important. First, very important. You cannot tell a child के you can't get this or you don't deserve it because वो बच्चा इंटेक कर रहा है उस वक्त प्रोग्राम. ठीक है. ठीक है. So if you tell a kid के you don't deserve it,
पूरी जिंदगी उसकी जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, दे विल साबोटेज देम खुद से, बिकॉज उसके दिमाग को लगता है कि इट डजंट बिलोंग टू दैट पर्सन. ठीक है? सो बच्चे को कभी मारो नहीं, बच्चे को कभी डांटो नहीं, एंड डोंट पुट बच्चे इन अ पोजीशन वेयर ही हैज टू मेक अ चॉइस. लाइक लेट हिम बी, लेट हिम लर्न ऑन हिम ऑन हिमसेल्फ. जो है वो बड़े नहीं, 7 years ऑफ योर लाइफ. ठीक है? उसके अंदर यू नीड टू लाइक जो मेहनत उन 7 साल में करोगे वो उनकी पूरी जिंदगी उसके ऊपर दैट इंपैक्ट विल गो लॉन्ग वे, लॉन्ग वे. आल्सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट. ठीक है? जिससे हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि गरीब बंदा गरीब होता जाता है और अमीर बंदा अमीर होता जाता है. क्यों? बिकॉज अगर आप एक काम दोगे गरीब बंदे को, वो सबसे पहले सोचेगा ओ मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, होएगा कैसे, किधर करूंगा, क्या नहीं. तो अमीर बच्चे होगे ना, कहेगा अच्छा मैं काम करता हूँ पैसे आ जाएंगे. पर अमीर बच्चा काम नहीं करते ना, मसला तो ये नहीं. बट अगर उन्होंने कुछ करना भी है, द मनी इज नॉट देयर वरी, दे डोंट एनीथिंग, दे जस्ट बाय न्यू शूज, न्यू बेल्ट, न्यू फोन, न्यू नो लिसन लिसन, बट दैट वे यू डोंट हैव द वैल्यू फॉर देम. ठीक है? जो आपको बस एक चीज मिल गई होती है ना, यू आपको बताएं मुझे अभी इस टाइम पे सक्सेस स्टोरीज है ना. एक जो पाकिस्तान का बिल गेट्स जिसको कहा जाता है, नेटसोल सीईओ ऑफ नेटसोल, क्योंकि नेटसोल ने अभी जो आपके करंट ऑडी के अंदर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, दैट इज बीन मेड बाय नेटसोल. दैट गाय इज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, ही हैज दैट हंगर. सुनमान, वंस आई थिंक आई सेकंड मरिया ऑन दिस, दैट आई थिंक दैट फॉर मी इन माय लाइफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोट इज बाय बुद्धा, व्हिच इज द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम. सो आई पर्सनली रियली बिलीव इन दिस मायसेल्फ, एंड आई थिंक योर माइंडसेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. इफ यू सेट योर माइंड ऑन समथिंग एंड यू एक्चुअली बिलीव इन इट, सो देयर इज वंडर्स दैट यू कैन डू, फ्रॉम वेदर इट्स अबाउट अचीविंग समथिंग ऑन अ पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, you know, political, any kind of front. Once you set your mindset on that and you actually believe in it, the chances of you achieving it are higher amount opposed amount, to not achieving it. So I think that's something very important. आप दोनों ने जो बात की, if I sum that up, मैं बताती हूँ, like मेरी एक mindset है कि I never run out of money. Right. ठीक है? मैं काम करती हूँ बहुत selected और मैं I make enough money to live off of it, but मेरा एक माइंड सेट है कि आई नेवर रन आउट ऑफ मनी. सो जैसे ही मेरे पैसे कम हो रहे होंगे ना, एकदम से काम आएगा एंड आई विल बी लाइक आज तुम्हारे पैसे कम, एकदम से पैसे आ जाएंगे. आज तुम्हें बड़ी देर हो गई काम नहीं किया. मैंने माइंड सेट बनाया है कि मुझे काम ही नहीं करना पड़े और पैसे आ जाए. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर. दिस गाय गेव मी अ वीडियो टू मेक शॉर्ट आउट अपने अपने कंपनी के लिए. हाँ, ठीक है. तो वीकेंड था, मैंने कहा कि ब्रो लाइक आई चार्ज यू 50K फॉर ऑनलाइन पोस्ट. तो कहता है कि ठीक है. वो तुमसे उसने मुझे पहले ही पैसे भेज दिए. ठीक है? ओवर एफिशिएंट, पता नहीं क्या सीन था, बट उसने पहले भेज दिया. अब मुझे पता है कि आई हैव ऑलरेडी गॉटन पेड, सो द स्ट्रेस इज ऑन माय हेड. मैंने उसको फोन पे बोला कि ब्रो मैं वीकेंड पे काम नहीं करती हूँ, तो मैं तुम्हें मंडे तक भेज दूंगी. बट बिकॉज ही ऑलरेडी पेड मी, अब मेरे ऊपर एक स्ट्रेस, हाँ, बिकॉज आई एम वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू वर्क. अब एक स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि मुझे करना है बिफोर आई गो फॉर माई वीकेंड और व्हाटएवर. डूड, मैंने उसी वक्त बैठ के कोई 20 takes लेके मैंने उसने बनाया और उसने मुझे कहा कि तुमने ये चीज मिस कर दिया है. तो मैंने उसको कहा ब्रो यार मैंने अभी 20 takes लिए है यार, क्या. तो कहते तुम अभी नहीं करो, लाइक टेक योर टाइम, व्हाटएवर. बट आई वाज लाइक नो, आई वांट टू गेट इट डन विद. ठीक है? बिकॉज़ आई'd rather not have the stress. मैं काम करके मुकाओ के साथ ही होता है हमारी, तो 3 महीने पेमेंट्स नहीं आते. नहीं तो थैंक यू सो मच गाइस. हां, एंड ये जो आपके साथ गपशप स्टोरी नहीं, तुमने मेरी हैव अनदर एपिसोड, क्योंकि महिरा के पास स्टोरीज की जो है वो कमी नहीं है, हमारे पास सुनने की कमी नहीं है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. अपना ख्याल रखें, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जैसा मेरे दोनों गेस्ट ने कहा, जो भी काम करें उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक्सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मीडियोक्रेसी को अपनी जिंदगी में से एक बुरा लफ्ज करें. और जो भी काम करें फुल हार्टेडली करें. जब आप किसी भी चीज़ को फुल हार्टेडली अटेम्प्ट करते हैं तो यू डेफिनेटली एक्सेल इन दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो. और अपना फीडबैक जो है कॉमेंट्स के थ्रू दें. अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.